यार इमेज को जो है मैं कोई इमेज लूं, उस इमेज को कन्वर्ट करूं खुद से और सेंसर बना के इवेल्युएट करवाऊं उस इमेज के ऊपर, सेंसर बना के उस इमेज के ऊपर खुद इवेल्युएट करवाऊं। तो मेरा आवाज समझ में आ रहा है क्या है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन है काफी। अच्छा सर, आप मोबाइल से ऑनलाइन हो जाए, मोबाइल से अच्छी आवाज आएगी। अभी बेहतर हुई आवाज, देखे बेहतर है जी सर? आपको समझ में तो आ रही है आवाज? नहीं सर, अभी क्लियर नहीं आवाज सर। अब बताइए, अब कैसी आवाज है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, जबरदस्त। अच्छा, अब हमने करना ये है कि यार ये इवेल्युएट तो हमने चला लिया, हमारे पास रेडी जो है वो डाटा मौजूद था। व्हाट इफ मैं रेंडमली कोई डिजिट लूं, कोई इमेज लूं यहाँ पर, ठीक है, हैंड मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, हैंड रिटन डिजिट इमेज 28x28 की कोई मुझे मिल जाए, ये मिल गई मुझे। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो लोडेड इमेजेस हैं वो वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक से लिखी हुई है। तो मैं कुछ ऐसी इमेज ढूंढता हूँ, एक इमेज आ गई मेरे पास, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेव इमेज कर लेता हूँ, सेव इमेज डाउनलोड्स में डाल देता हूँ, इमेज 6 के नाम से मैंने ये कर लिया अपने पास। अब मैंने क्या करना है, अब ये पहले तो ये इमेज यहाँ अपलोड करता हूँ लैब पे जाके, इमेज 6 जो है मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो अब इमेज 6 को मैंने यहां लोड करना है, कैसे करेंगे? हमारे पास जो है कैरस में भी इमेज की लाइब्रेरी मौजूद है, मैंने उनसे कोड लिखे हुए थे, PIL की लाइब्रेरी भी हमारे पास मौजूद है, ये भी कोड लिखे हुए थे, तो पिलो कहलाती है ये लाइब्रेरी, कोई सी भी यूज कर सकते हैं, PIL यूज करें या scikit-learn की भी हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है इमेज की, और TensorFlow की भी हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है। तो अगर मैं TensorFlow से ही इमेज जो है वो ले लूं, क्योंकि हम TensorFlow ही चला रहे हैं, चलो ठीक है TensorFlow पे ही चलते हैं, और TensorFlow को बोलते हैं भाई ठीक है हमारे पास ये लाइब्रेरी जो है इमेज की मौजूद है। अब इमेज की लोड करनी है मुझे TensorFlow के थ्रू, और टारगेट साइज भी बता दिया हमने,
ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको मैंने एक्सक्लूड किया जी। इमेज का नाम हमारे पास क्या है, इमेज 6.png, मैं इसको चला देता हूँ, क्या कहता है इसको, मिल गई इमेज। इस वक्त जो हमारे पास इमेज जिस फॉर्म में होगी, लेट्स सी किस फॉर्म में है, आईएमजी, मैंने इसको चलाया, ये हमारे पास इमेज की फॉर्म में, ठीक है। जो मैंने इमेज अपलोड की है वो इमेज मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। सर ये टारगेट साइज बता दें। टारगेट हमारे पास हो सकता है जो इमेज आपने डाउनलोड की हो वो इमेज छोटे साइज की हो सकता है जो इमेज डाउनलोड की हो वो इमेज बड़े साइज की हो, तो हम यहाँ टारगेट साइज दे देते हैं सो दैट वो इंटरनली खुद ही उसको क्रॉप श्रॉप कर देता है और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतनी रिक्वायरमेंट में डाल देता है। अब यहाँ पर टारगेट साइज 128x28, हमारा टारगेट साइज क्या था अभी, हमारे 28x28। अब मैं इसको यहां से चेंज कर देता हूं 28x28। मैंने इसको चलाया यहां पर, इमेज दोबारा व्यू करी, ये इमेज इतनी बड़ी आ गई। जाहिर है अब मैं इसकी शेप या साइज निकालूंगा तो वो कितनी आएगी भाई, 28x28 ही आएगी। क्या लगाया ब्रैकेट्स, क्या था भाई इमेज का, अच्छा वो एरे पे चलता है, इमेज नंपाई एरे नहीं है, नंपाई एरे पे चलेगा ना, तो कोई साइज वाइज का फंक्शन अगर होगा लगा लेंगे, खैर वो होगा तो 28x20। अब मैंने इस इमेज को जो है वो एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मेरे पास जो है इमेज का ही जो है एरे बनाने की, इमेज की लाइब्रेरी में ही एक इमेज टू एरे का एक फंक्शन होता है, क्या क्या है अभी, इमेज टू एरे, ठीक है। इसको मैं अपनी इमेज पास कर देता हूँ, इसको इमेज पास कर देता हूँ, तो व्हाट इट सेज, लेट्स सी, चल गया ये, कोई एरर नहीं आया शुक्र से। अब मेरे पास जो यहाँ मौजूद होगा वो क्या है, एरे बन गई, ठीक है, एरे में कन्वर्ट हो गई। और ये तो सारी 255, 255, 255, ठीक है, चलो वाइट ज्यादा है ना, इसकी शेप अब मैं चेक कर सकता हूँ नंबाई में जाके, हमारे पास जो है वो 28x28x3। ये 3 क्यों आ रहा है यार, ये 3 क्यों आ रहा है भाई, लेफ्ट है सर, 3 लेयर्स, हाँ ये तो कलर आरजीबी, अरे आरजीबी के, हाँ आरजीबी लग रही है मुझे, तो इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप सब लोग अपने पास सिस्टम में चेक करें कि हाउ टू कन्वर्ट अ इमेज आरजीबी इमेज इनटू ग्रे स्केल, शाबाश चेक करें सर, 255 से डिवाइड नहीं करेंगे तो शायद ये ग्रे स्केल में हो जाएगी, नहीं नहीं ग्रे स्केल, ऐसे ग्रे स्केल में नहीं होगी, वो तो बात की कहानी है,
ऐसे नहीं होगा, इसके चैनल तीन आ रहे हैं ना, तो इस वजह से इमेज डॉट कन्वर्ट का मेथड आ रहा है। हाँ ढूंढे 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 सब लोग ढूंढे भाई, अभी अब बहुत सारे काम आपको खुद करने हैं, मैं बताऊंगा सिर्फ ये करना है, खुद इम्प्लीमेंट करने हैं। ये तो अभी मैं पहली दफा था तो मैंने बता दिया कि प्रोसेस क्या करना है, आइंदा से जो है वो खुद करने हैं हमने। सर एक टेंसर फ्लो का एक फंक्शन है, ठीक है कौन सा है, tf.image.rgb_2_grayscale। इमेज तो हमारे पास है, हाँ जी tf.image तो हमने इंपोर्ट कर लिया, इमेज डॉट क्या था .rgb_2 आरजीबी कहाँ रहा इसमें नहीं आ रहा, मैं सर इसे चैट में डाल रहा हूँ, चैट में दे दूंगा देखता हूँ। tf.image.rgb2grayscale_original हमने डाउनलोड किया हुआ है, इमेज सर ग्रे स्केल इमेज डाउनलोड करें यार, वो भी कर लेंगे, मैं तो जानबूझ के कर रहा था कि चलो ये भी काम सीख जाएंगे। इमेज में ये टेंसर फ्लो में आरजीबी तो नहीं आ रहा यार यहाँ पर सर, टीएफ टेंसर फ्लो की हम लेंगे तो उसके साथ डॉट के साथ, चलो मैं असल में जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है जी जी वो तो टेंसर फ्लो पूरा आ गया ना यहाँ पर, टेंसर फ्लो डॉट केरेस डॉट इमेज। चलो मैं इस तरह करता हूँ, इस तरह तुम कह रहे शायद हो जाए, क्या था भी टेंसर फ्लो डॉट इमेज डॉट आरजीबी टू ग्रे, ये वाला है ना जी सर, नहीं सर ग्रे दूसरा है, टू ग्रे दूसरा है शायद, आरजीबी अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर ग्रे स्केल टी ओ टू, हाँ जी आरजीबी टी ओ अंडरस्कोर ग्रे स्केल, इसको अपनी एरे पास करनी है या ओरिजिनल इमेज जी, बस इमेज आप इमेज डाल दें, डाल देना आई एम जी, एस सी ए एल ई ग्रे स्केल में ई आएगा आखिर में, इसको टेंसर फ्लो मिला, हम इसको टेंसर फ्लो मंगा लेते हैं, हमने केरेस इंपोर्ट किया हुआ इसके जो है वो चेक करते हैं हम, बड़ा लंबा
कहाँ चले गया? आप सर शेप चेक करके देख लेते हैं, अब इसको सेव कर लेता हूँ। हाँ जी, टेंसर शेप 28x28 की बन हो गई। ठीक है, एक चैनल हो गया हमारे पास। अब मैंने क्या करना है, इस कन्वर्टेड शेप को अगर मैं रीशेप कर लूं, सर इसको पहले एक हम फ्लैट रे बना लेते हैं 1D, एंड देन 1D को 2D में कन्वर्ट कर लेंगे थ्रू रीशेप फंक्शन। लेकिन ये टेंसर दे रहा है ना, डॉट फ्लैटन लगा दूं अगर। सर नंपाई का है ना वो, अब ये हमारे पास टेंसर फ्लो का ऑब्जेक्ट है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, और इसको टाइप कास्ट कर देते हैं नंपाई से। सर जहाँ पे इमेज इंपोर्ट किया ना वहाँ पे कलर मोड ग्रे स्केल की ऑप्शन है तो उसे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे स्केल में। कहाँ पर? सर जहाँ पे लोड इमेज का आपने फंक्शन कॉल किया ना उसका एक है आर्गुमेंट है कलर मोड के साथ नाम से, उसको ग्रे स्केल स्ट्रिंग पास कर देंगे तो ग्रे स्केल में लोड कर लेगा। जबरदस्त हो जाएगा ये काम, तो यार मेहनत से बच जाएंगे। यहाँ पर इमेज लोड इमेज में जी सर क्या है फंक्शन? ग्रे स्केल फॉल्स हुआ है ना, ग्रे स्केल ट्रू कर दो। सही सही, कलर मोड को आरजीबी की जगह ना ग्रे स्केल एज अ स्ट्रिंग पास कर दें। यहाँ पर भी तो अगर ये ग्रे स्केल फॉल्स हुआ है, अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो माइट बी कि वो ट्रू हो जाए। करके देखें सर। सर वो ऑप्शन डेप्लिकेटेड है लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन में। क्या लिखा? डेप्लिकेटेड है ये ऑप्शन। फॉल्स वाला दोनों डाल देते हैं, हमारे कौन से पैसे लग रहे। कलर मूव ग्रे स्केल डिप्रिकेटेड प्लीज, एरर तो नहीं ना हुआ देंगे। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं क्या हुआ। इमेज पहले कन्वर्ट तो हमने करी हुई है, उसकी शेप निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, 28x28 वन में आ गई सिंगल चैनल में, तो इसका मतलब फिर हम ये वाला काम अब हटा देते हैं। सर ये कमेंट कर देना, हटाए नहीं। बस सही है यार, कर लेना, मिल जाती चीजें। याद रहने की नहीं होती, कौन क्या क्या याद रखेगा। अच्छा, अब हमारी इमेज की शेप हो गई। ये इसकी टाइप क्या है अभी, नंपाई है? अगर नंपाई है तो 28x28 में कर देते हैं इसको।
ठीक है, तो रीशेप हो सकता है अब ये, मैं इसको रीशेप कर देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं शायद वन उस पर आ रही है, चला भी जाए डायरेक्ट 28.28 ऐसे ही हमारा इनपुट था वहां पर, फैक्टर हमने लेना था यस सर 28x28 पर, लेकिन अभी हमने इसको 784 का वेक्टर भी तो बनाना है ना, तो मैं इसको यहीं पर रीशेप करते हुए क्या बोल दूं 784 बोल देता हूँ, ठीक है। अभी मेरी इमेज बन गई है, मेरा मॉडल का नाम क्या था, नेटवर्क क्लास लगी नेटवर्क डॉट प्रेडिक्ट करें आप अंडरस्कोर अरे पर देखो ये क्या रहा है, अच्छा अच्छा हमने क्या करना पड़ेगा, हमने 1.784 करना पड़ेगा, तो इमेज टू एरे को थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फिर समझाता हूँ, एक इमेज जाएगी ना, तो बढ़ जाओ क्या प्रेडिक्ट किया इसने 100% प्रोबेबिलिटी सर, सॉरी सर आपने 1.7 क्यों किया है 784 बता रहा हूँ पहले जवाब देखो क्या है, अच्छा 0 1 2 3 4 6 प्रेडिक्ट किया उसने, सही किया है जी सर, सही yes, सर। और अब ये सर, कैसे सर 5 नहीं होगा, ये 0 से अगर स्टार्ट है तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 0 1 इंडेक्स जो 1 का हमारे पास कौन कौन सी है, 6 का क्या होगा, सही प्रेडिक्ट किया सर, सही है ना, तो हम यहां से निकाल लेते हैं, अब अपने जवाब कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि भाई जो प्रेडिक्ट की हमारे पास एरे आई है props join props में से हम निकाल लेते हैं फिफ्थ इंडेक्स आ रहा है, फिफ्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी,
6 हमारे डिजिट्स क्या क्या थे भाई, क्लासेस क्या क्या थे? 0 to 9 है ना? 9 यस। यस सर यही कह रहा था। तो ये तो 5 प्रेडिक्ट कर रहा है। यस सर। सर वो इमेज तो हमारी जी सर, वो 0 से तो काउंट नहीं कर रहा, 0 से तो स्टार्ट नहीं कर रहा सर, एरे आप बता रहे थे। एक मिनट, जीरो जीरो। अच्छा हम अब एक काम करिएगा आप लोग, बट ठीक है यहाँ तक मैंने करा दिया है। यू विल व्हाट यू विल डू, आप डिफरेंट इमेजेस इसी तरह लेंगे, ठीक है आप। अच्छा यहाँ पर ये बता दूं कि ये हमने क्या किया है, क्योंकि 784 में कन्वर्ट किया था हमने, बेसिकली हमें यहाँ पर एक टू डायमेंशन भेजना पड़ेगा इसको, सो दैट क्योंकि हम एक ही वैल्यू भेज रहे हैं। मैं इसको समझा देता हूँ दोबारा से। जब हमारे पास वहां पर मैट्रिक्स था ना, समझना इसको, कंफ्यूजन था ये, यहाँ पर वहां पर मैट्रिक्स था तो उसके अंदर यूं करके एक एक इमेज सीधी हो गई थी ना, तो जब हम इसमें से निकाल के भेज रहे थे तो वो एक वेक्टर जा रहा था 784 का पूरा, ठीक है ये सर, कॉन्कैटिनेट हो गया। हाँ अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इमेज ही एक है ना, यूं करके हमारे पास मल्टीपल इमेजेस नहीं, समझ रहे मेरी बात, तो मल्टीपल इमेजेस नहीं है तो, लेकिन जो डेटा प्रोसेस होने के लिए डायमेंशन है उसका हमारे पास जो है वो क्या कर रहा हूँ, सर आई थिंक समझ आ गई कि लास्ट टाइम हमने जब इसको इनपुट दी थी वो 60,784 दी थी, तो इसी शे में हम अब इसको एक इमेज पास कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 1 × 784 इसको पास किया। अब हमारे पास वहां पर 60,784 था, यही बता रहा हूँ, क्योंकि जो इनपुट तो एक ही जाएगा लेकिन जो डेटा उठ के जाना है वो मैट्रिक्स की शक्ल में जाना है। तो अब मैंने बता दिया तुम्हारे, हमारा एक मैट्रिक्स भेज रहा हूँ 780, उसके अंदर उस मैट्रिक्स के अंदर इमेजेस हैं, और इत्तेफाक से ये है कि इमेज एक ही है वहां पर, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको वन कर लिया है। अगर मेरे डेटा के अंदर मैं एक साथ 4-5 इमेज डाउनलोड कर लूँ, उसको कन्वर्ट कर लूँ और एक मैट्रिक्स बना लूँ, तो यहाँ मुझे फिर जो है वो 3-4 इमेजेस जितनी भी होंगी, 60,000 तो नहीं होंगी, कम से कम 4-5 ही होंगी ज्यादा सर, तो हमें यूं शेप देना पड़ेगा, बस ये बात है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब ये तो अभी मैंने बहुत रॉ काम कर दिया, आप मुस्तकबिल में क्या करेंगे, मुस्तकबिल में क्या मतलब, ये मुस्तकबिल आ ही चुका है आपका, अब आपने क्या करना है, आप इसको मॉड्यूलर कोड बनाएंगे पूरा, ठीक है, प्रोफेशनल कोड बनाएंगे। प्रोफेशनल कोड बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जो है इसको अब ये आपने एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मॉडल बन गया आपका, ये सारी चीजें आप एक फंक्शन बनाएंगे प्री प्रोसेसिंग का पूरा, ठीक है, डेटा डाउनलोड। अब मॉडल ये आप सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडल सेव कर लेंगे, जो मॉडल बना है अगर वो सही आंसर दिखा रहा है, मॉडल सेव कर लेंगे। मॉडल सेव कर, मॉडल सेव कैसे करते हैं पता है किसी को? मॉडल सेव करने के मुख्तलिफ एक्सटेंशंस होते हैं, ये आप खुद सर्च करेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सिंपली जो हमारा नेटवर्क है, हम यहाँ पर लिख देंगे नेटवर्क डॉट सेव, और यहां उस मॉडल का नाम लिख देंगे एंड रिटर्न डिजिट क्लासिफायर डॉट एसएवी से सेव कर लें, H5 एक्सटेंशन होता है। जब मैं ये चलाऊंगा तो ये मॉडल जो है मेरे पास मेरे रूट फोल्डर के ऊपर सेव हो जाना चाहिए,
these function learning after loading. चेक करते हैं यहाँ पर पहले आ गया। अब ये, अब मैं क्या करूँगा, अभी ये सर्वर पे वहीं सेव हो गया है। अब मैं यहाँ पे करूँगा भाई ये मॉडल हमने इंपोर्ट किया भाई शायद मॉडल किसी और फाइल में, या मुझे अपना नेटवर्क पे ये वाली फाइल भेज देंगे तो मैं अपने पास कैसे चलाऊंगा। मैं इसको सिंपली लोड करूंगा मॉडल डॉट लोड, आपके इस का जो है वो नाम लिखूंगा पूरा, मॉडल इज नॉट डिफाइंड, मॉडल हमने इंपोर्ट किया है। मिस्ट मॉडल में सिक्वेंशियल कर लिया है मैंने मॉडल, जरा गूगल पे जाके लिखें हाउ टू लोड सेव मॉडल, कौन सी लाइब्रेरी आ रही है, मॉडल्स है, मॉडल है, सर्च करें सब लोग tensorflow dot models import मिली कोई मॉडल की, नहीं मिली भैया लाइब्रेरी, मैं खुद ही ढूंढता हूँ। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं, ये कह रहे हैं मॉडल डॉट सेव, उसका पास दे दें एरस मॉडल लोड मॉडल मॉडल डॉट सेव, ये तो हमने किया है यार मॉडल 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 जो भी मॉडल बनाया मॉडल डॉट सेव चला दें, अच्छा नेटवर्क डॉट सेव चला देता हूँ, फिर मैं मॉडल क्यों लिख रहा था, सीधी बात है, सही बात है, नेटवर्क डॉट सेव चला दिए। अब मैं यहाँ पर चलो अब कुछ चेंज हो आठ दिन बाद वही सर, पहले आप मॉडल इक्वल टू क्रिएट अंडरस्कोर मॉडल लिख देंगे ना तो वो ऑब्जेक्ट बना देगा, फिर उसके बाद वो लोड का फंक्शन कॉल हो जाएगा उसके ऊपर। क्या लिखूं बताना भी, क्या मॉडल इज इक्वल टू क्रिएट अंडरस्कोर मॉडल, मॉडल इज इक्वल टू क्रिएट अंडरस्कोर मॉडल, ये ऑब्जेक्ट के इक्वल डिफाइन कर देगा, फिर इसके ऊपर लोड का फंक्शन कॉल हो सकेगा मॉडल के ऊपर।
क्रिएट मॉडल इसमें आ नहीं रहा नहीं, मैं इसको ये वाला काम कर देता हूँ। केरिस की लाइब्रेरी है लोड मॉडल सर, उसके थ्रू हो जाएगा। लोड मॉडल ही तो करना चाह रहा था मैं खाली नहीं भूल जाता हूँ असल में, ये यहाँ पर मैं खाली लोड लिख रहा हूँ ना, केरिस मॉडल्स डॉट लोड मॉडल, ठीक है मैं इसको हटा रहा हूँ। और मॉडल हमारे इधर ही पड़ा हुआ है, क्या नाम है भाई तुम्हारा, तुम्हारा नाम दिया भाई ये मॉडल लोड हो गया, ठीक है। अब मॉडल लोड होने के बाद मॉडल की हम समरी देख सकते हैं, जैसे हम वहाँ समरी देख रहे थे वो समरी दिखा देगा। अब जो किसी को मॉडल भेजेंगे तो आप आर्किटेक्चर समरी के थ्रू ही देख सकता है, जैसे हमने पहले देखी थी, ठीक है। और अभी आपने कितने पैरामीटर जनरेट हो रहे हैं, कितना सब कुछ हो रहा है, कौन सी लेयर यूज करी है, क्या आपने हाइपर पैरामीटर यूज किए, कौन सा जो है ना वो आपने ऑप्टिमाइजर यूज किया है, ये सब कुछ नहीं आ रहा ना आएगा उसके पास, कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा। अब मैं इसी मॉडल के थ्रू जो है वो क्या कर सकता हूँ, लोड करने के बाद प्रोडिक्ट चला सकता हूँ। प्रोडिक्ट चलाने के लिए हमने इमेज दिया हुआ था, हमें सब रीशेप करना पड़ेगा, रीशेप नहीं किया तो अभी हमारा सेव मॉडल है, ये हमें वो एरे दे रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये मॉडल है, एक आप फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन यूजर से मांगता होगा एक इमेज, यूजर को तो पता भी नहीं चलेगा क्या आपकी प्रोसेसिंग होगी, यूजर बस खुशी खुशी जो है वो अपनी इमेज अपलोड करेगा। वो पाइपलाइन शुरू कहाँ से होगी, उस फंक्शन के अंदर इमेज आएगी, इमेज आने के बाद आपने उस फंक्शन के अंदर ये सारी कार्रवाई डालनी है, कौन सी वाली, ये वाली जो हमने कन्वर्ट की है यहाँ पे, ये वाली इमेज लोड करी, ये सारी कार्रवाई फंक्शन डालेगी, इमेज से एरे में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने का ये हुआ, उसी फंक्शन के अंदर जो है ये सारा काम होगा, प्रिडिक्ट चलेगा, इमेज जैसे ही वो अपलोड करेगा, अपलोड करते ही या आप एक फॉर्म बना लें HTML HTML यूज करके इमेज अपलोड करने के लिए, उस फॉर्म के पीछे जो है वो थोड़ी सी अगर पढ़ सकते हैं Django या Flask के थ्रू कनेक्ट करना तो कर लें, नहीं तो देखते हैं चलो, या वैसे ही चलें अगर आप फॉर्म पे नहीं जाना चाह रहे तो एटलीस्ट यहीं पर जो है इमेज अपलोड का ऑप्शन वगैरह जो है वो आप यहाँ से अपलोड कर दें, और उस फंक्शन वो फंक्शन कॉल हो जाए, फंक्शन को कॉल करें यहीं से, उस फंक्शन में इमेज भेजें, उस फंक्शन में सारे काम होगा, फंक्शन फाइनली ये वन जो भी वैल्यू आएगी रिटर्न उसको मैक्स निकाल के उसको मैप करा देंगे भाई, उसका इंडेक्स जो है वो क्या बन रहा है, तो वो वैल्यू जो है बेसिकली वो इमेज क्या है, तो ये पाइपलाइन जो है वो पूरा जो है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। कर सकेंगे, बिल्कुल से कर लेंगे, ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सब लोग, ट्राई कर लेंगे, नहीं हो जाता है, हो जाता है, थोड़ी मुश्किल होगी, मैं खुद चाह रहा हूँ आपको मुश्किल हो ताकि सीखें, एरर आए देखें ढूंढें, मुख्तलिफ चीजें एक्सप्लोर हो, मुख्तलिफ पैरामीटर्स पता चले, बात चीजें चेंज हो जाती हैं, नई हो जाती हैं, तो वो सब चीजें जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकें। सर कर लेंगे, तो सर इस मॉडल पे मैंने दो तीन इमेजेस ट्राई किए हैं, सारों के यानी आंसर्स गलत आ रहे हैं। हाँ
तो आप मॉडल इसका मतलब सही ट्रेन नहीं हुआ क्या? वो क्या ट्राई किया था वैसे? क्या इमेज भेजी थी? चले उसको हैंडल कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है कि वो उसके साथ अब खुद खेलें, ठीक है? यस सर, आगे जाए। हाँ मैं आगे चलता हूँ, आप लोग इसके साथ खुद फाइट करें, खेलें और देखें क्या क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट सर, नेक्स्ट से जाने से पहले एक वो स्टेप बाय स्टेप एक दफा बता दे सर, पहले मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिर फंक्शन बनाएंगे और फिर उसको सेव करेंगे। मॉडल ट्रेन कर लिया, मॉडल ट्रेन कर लिया, टेस्ट डेटा ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी आ गई, ओवरफिटिंग नहीं हो रही, आप सेटिस्फाई हैं, तो आपने मॉडल सेव कर लिया। जब आपका मॉडल सेव हो गया तो उस फाइल को आप जो है ना, जो जुपिटर नोटबुक चल रही है उसको बंद कर दें, शट डाउन कर दें, एक नई जुपिटर नोटबुक खोले, वहां पर मॉडल इंपोर्ट करके मॉडल को लोड करें जो आपके रूट पे पड़ा हुआ है या कहीं भी पड़ा हुआ है, पाथ देकर मॉडल लोड हो गया। नाउ यू हैव ओनली मॉडल, अब आपके पास कोड शोड नहीं है, ठीक है? लेकिन आप यूजर के लिए इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं और जुपिटर नोटबुक पे बनाना चाह रहे हैं, तो यूजर को आप बोलेंगे कि भाई ये फंक्शन है, ये फंक्शन तुमसे सिर्फ इमेज मांग रहा है, छोटी हो, बड़ी हो, लंगली हो, डूली हो, इमेज दे दो इसको। और उस फंक्शन के अंदर वो मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ होगा, उसके पीछे की प्री प्रोसेसिंग भी सारी इम्प्लीमेंट हुई होगी, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, अभी देखो जो हमने अब यहाँ पर एक प्री प्रोसेसिंग अभी रैक नहीं की हमने, वो कौन सी वाली थी अगर आपको याद हो, कि हमने 255 वैसे ही सारे नंबर चला दिए, हमने इसको स्केल डाउन नहीं किया हुआ, वो प्री प्रोसेसिंग भी आपको लगानी पड़ेगी, शायद उससे आंसर सही हो जाए, हो सकता है उसकी वजह से गड़बड़ आ रही, माइट भी हो सकता है ना भी आ रही उसकी वजह से। तो वो एक ही यूजर को वन विंडो ऑपरेशन देंगे, तो ये फंक्शन है, आप सिर्फ इसको इमेज दे दें, उस फंक्शन के अंदर हम सारे काम जो है वो कर रहे हैं, या आप एक मॉड्यूल बना लें एंड रिटर्न डिजिट क्लासिफिकेशन का, उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करें, उसमें से एक फंक्शन इम्पोर्ट कर लें और यूजर जो है वो इम्पोर्ट करके उस फंक्शन को यूज कर सके। तो ये आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा सोचेंगे आप और करेंगे, ठीक है? डूएबल है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ओके सर, अब हम आगे चलते हैं, आगे हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है चैप्टर में से भी, और कुछ एक्यूरेसीज के हवाले से भी और उसके हवाले से भी जो है मैं डिस्कस करता हूँ। सर ये नोटबुक हमें ड्राइव पर अवेलेबल होगी? जी जी बिल्कुल अवेलेबल होगी। चलिए मैं जरा दूसरे सिस्टम को भी चेक कर लूँ, अगर वहां से ओके हो गया है तो जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। पीछे इसमें से कोई अगर सवाल किसी का है किसी चीज में, वैसे अभी जो चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो दैट बिलोंग्स टू कैटेगोरिकल, तो हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छी तरह से कि कैटेगोरिकल क्या होता है, लेबल्स को हम किस तरह से जो है वन आउट इनकोड कर रहे हैं। सर इमेज को स्केल डाउन करने से क्या फायदा होता है? प्रोसेसिंग अच्छी हो जाती है, जल्दी हो जाती है, ट्रेनिंग अच्छी होती है। इमेज ही नहीं, कोई सा भी डाटा, उस सारे कॉलम्स की रेंज अगर एक सेम रेंज में हो जाए तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, इससे फर्क पड़ता है। सर एक टर्म यूज होती है मॉडल ट्रांसफर होना, तो यार यहाँ पे हम मॉडल ट्रांसफर किस तरह से करते हैं कि सेव कर लिया एंड दोबारा से कहीं? वो ट्रांसफर लर्निंग अलग चीज है, ट्रांसफर लर्निंग हम अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे जहाँ हम प्री ट्रेंड मॉडल्स को इस्तेमाल करेंगे और उनसे ही हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो बनाएंगे प्री ट्रेंड मॉडल से, ठीक है? चलिए
तो मैं इस सिस्टम से स्विच कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। आवाज क्लियर है? जरा कंफर्म कर दें। जी सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी, कुछ चीजें हमने यहाँ डिस्कस करनी है। तो द इंजन ऑफ न्यूरल नेटवर्क ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कैसे होती है, बैक प्रोपगेशन कैसे चलता। सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है फिर। सर वही पुराना सिस्टम ठीक था। किसी को आइडिया है व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट? जी नो सर। अच्छा, सबसे पहले तो भाई सवाल ये था कि इतनी तेजी के साथ इतने सारे पैरामीटर्स जो हैं वो कैसे अपडेट हो जाते हैं और बिल्कुल सही अपडेट हो जाते हैं। तो कुछ चीजें मैंने पिछली क्लास में डिस्कस की थी कि भाई ये पहले रैंडम वेट इनिशियलाइज करता है, फिर रैंडम वेट के बाद ये बाकायदा एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ता है, जिसमें सबसे पहले ये चेक करता है कि मेरी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी नेगेटिव होगी, और फिर उसके बाद चेंज जो आएगा वो कितना होगा, स्मार्ट बहुत ज्यादा चेंज लाना है वैल्यू में या स्लो स्लो चेंज लाना है। तो कैसा चेंज ला रहे थे याद है? स्लो स्लो चेंज ला रहे थे। बेसिकली दो प्रॉब्लम यहाँ पर आते हैं, एक प्रॉब्लम को हम ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम कहते हैं
और एक प्रॉब्लम को हम ग्रेडियंट एक्सप्लोड प्रॉब्लम कहते हैं। अभी मैं यहाँ सिखाता हूँ बेसिकली। अच्छा, सबको कोई ऐसा बंदा है यहाँ पर जिसको नहीं पता डेरिवेटिव क्या होते हैं? कोई भी हो, कहीं पढ़ा हो, भूल गए हो, कोई बात नहीं, जस्ट सिंपली से नहीं पता तो फिर हम पहले समझ लेते हैं। बता दे थोड़ा सा, जस्ट सर नहीं पता, थोड़ा सा बता, सर नहीं पता, थोड़ा सा बता। ठीक है, ठीक, देखें हमारा जो यहाँ काम चलता है सबसे पहले तो हमारे पास, हमने ये डिस्कस भी किया था कि क्या होता है, हमारे पास स्लोप होता है। ठीक है, कोई बताया व्हाट इज स्लोप? जी कोई बता सकता है व्हाट इज स्लोप? सर y इज इक्वल टू m m m x प्लस b, उधर जो m है वो स्लोप होता क्या है? होता क्या ढलान को कहते हैं, ढलान को कहते हैं, यानी कि अगर मेरे पास x y एक्सिस है और मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो इसकी एक स्लोप है, ढलान है। ठीक है, एक ढलान है, ये स्लोप कैलकुलेट होता है कि ये ढलान जो है वो कितनी है। अच्छा, मैं बिल्कुल इनिशियल से बता रहा हूँ सो दैट सबको बात समझ में आए जिसको नहीं पता। आम तौर पे ये जो कैलकुलेशन होती है ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वाई अपॉन एक्स। वाई हमारे पास परपेंडिकुलर होता है ये वाली साइड और एक्स ये होती है, या इसको हम जो है वो बाज नई किताबों में अब इसको हम ये भी कहते हैं कि इट्स अ चलो भाई स्लोप हमारे पास क्या है, राइज डिवाइड बाय रन, राइज और रन का रेशियो है, रेशियो बिटवीन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, या जो भाग रहा है उसके ऊपर जाने और उसमें कितना जो है ना उसका जो रेशियो है वो स्लोप होता है। तो ये निकलता कैसे है, तरह हमने कहा कि भाई ये जो है y अपॉन x है। ठीक है, तो जब अब हम जब 2D प्लेन में होते हैं, सब लोग समझिएगा, जब हम 2D प्लेन में होते हैं तो 2D प्लेन में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास दो कोई भी पॉइंट होगा, लाइन जो बनती है, स्लोप हमेशा लाइन का ही होता है सारे, लाइन जब बनती है तो किसी पॉइंट से बनती है, लाइक मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर लूं और एक पॉइंट ले लूं, मेरे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस में वो आपका पॉइंट जो है वो 2 और 4 है, और एक पॉइंट मेरे पास बी है और वो पॉइंट जो है वो 6 और 9। इस पॉइंट को अगर मैं ड्रॉ कर लूं, ठीक है, ड्रॉ करने जाऊं तो भाई ये पॉइंट जो है ये पॉइंट जो है 2 4 कहाँ पे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 ले लेता हूँ यहाँ पर, ये 4 जो है इसी हिसाब से 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पॉइंट जो है समहाउ यहाँ कहीं जो है बन जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने ड्रॉ करना है 6 9, तो 6 मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लिया, 9 यहाँ ले लिया, ये कहीं पॉइंट यहाँ पर आ गया। नाउ वी कैन हैव अ लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, ये लाइन जो है वो यहाँ ड्रॉ हो सकती है इन दो पॉइंट्स के दरमियान यूं करके, ठीक है, दो पॉइंट्स एक लाइन बन जाती है। अब इन दो पॉइंट, अब इस लाइन का भी जो है ना वो क्या है, हमारे लाइन कितनी भी एक्सटेंड कर लो, इन दो पॉइंट से जो है वो एक लाइन जो है वो बन गई। अब इस लाइन का हमारे पास कोई ना कोई जो है उसकी ढलान होती है,
नलान में हमारे पास हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो x1 है, ये हमारे पास y1 है क्योंकि पॉइंट वन है ये, और ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2। तो जब हम लाइन का स्लोप निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास क्या सीन बन जाता है, हमारे पास सीन बन जाता है y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से इसका स्लोप कितना आ जाना चाहिए, 1.25। y2 हमारे पास 9 है, y1 हमारे पास 4 है और डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2, तो कितने हो गए भाई, 9 माइनस 4 कितने हो गए, 9 माइनस 4 हमारे पास हो गए 5, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 हमारे पास हो गए 4, 5 अपॉन 4, और 5 अपॉन 4 को अगर मैं निकाल लूं तो कितना बनता है, क्या आ रहा है, 1.25। ये इस लाइन का जो है वो स्लोप हो गया, ठीक है। अब स्लोप आपको निकालना, पता चल गया कि भाई 2 पॉइंट। अब ये जो एक खास बात है वो ये है कि ये लाइन यहां से चले और ऊपर जाते जाते चांद तक चली जाए, या यहां से चले और नीचे जाते जाते जमीन की दूसरी तरफ निकल जाए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कहीं पर भी निकालोगे, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान निकालोगे लाइन के ऊपर, ये स्लोप जो है वो फिक्स्ड होगा, एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं इसे 2 और 4 और 6 9 पे निकाला, मैं एक पॉइंट यहां मार्क कर लूं, इधर से ग्राउंड कर लूं भाई x में कितना हो रहा है वाई में कितना, ये पॉइंट बन जाएगा। एक पॉइंट यहां मार्क कर लूं और बोलूं भाई x में कितना हो रहा है वाई में कितना हो रहा है, एक पॉइंट आ जाएगा, इसको हम कहते हैं सी और डी पॉइंट। अब सी और डी के दरमियान भी अगर आप स्लोप निकालोगे तो यही स्लोप आएगा, सी और ए, डी और ए के दरमियान भी निकालोगे यही स्लोप आएगा, डी और बी के दरमियान निकालोगे यही आएगा, बी और सी के दरमियान निकालोगे यही आएगा। लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जहां कहीं भी जो एक स्लोप की वैल्यू होगी वो वही रहेगी, वो वही रहेगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो एट एनी इंस्टेंट फिक्स रहेगा, जो स्लोप है वही रहेगा, याद रहेगी बात। नंबर टू, अगर स्लोप जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉइंट में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि लाइन इज मूविंग अपवर्ड इस डायरेक्शन में। अगर स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है लाइन इज मूविंग डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव स्लोप होता है और ये पॉजिटिव स्लोप होता है। स्लोप को मुख्तलिफ तरह से मालूम किया जा सकता है, जैसे वाई अपॉन एक्स कर लिया, डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स कर लिया, टेन थीटा जो हम निकालते हैं किसी का, ठीक है, टेंजेंट थीटा, ये भी हमारे पास क्या होता है, याद होगा सबने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है वाई है, बेस क्या है एक्स, टेन थीटा से निकलता, ठीक है। इसको, इसी को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी सेम चीज है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन केस ऑफ दिस वाई। तो स्लोप कह लें, ग्रेडियंट कह लें, या एम कह लें, या आप जो है इसको डब्ल्यू कह लें, हर सूरत में ये एक ही वैल्यू है जो मुख्तलिफ नामों के साथ जो है वो आपके सामने आ रही है। क्लियर है बात, कोई सवाल इसमें किसी का, जी सर क्लियर है? अगर किसी को नहीं है क्लियर भाई तो आप बिल्कुल, वी आर ओपन, मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई बात नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मसला ये है कि यहां तक तो बात ठीक हो गई कि भाई स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। व्हाट इफ हमारे पास जो है लाइन जो है स्ट्रेट ना हो, हमारे पास लाइन जो है वो कर्व में हो, तो अब इस कर्व का स्लोप कैसे निकालूं, कोई बता सकते हैं? सर हर पॉइंट की स्लोप होगी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो है मैं
क्योंकि जो कर्विकल नेचर है या जो सर्किल है या कोई और भी जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर मैं उसका स्लोप निकालने जाऊंगा तो भाई ये तो मुझे कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ स्लोप ये नजर आ रहा है, मैं यहाँ खड़े को देख रहा हूँ स्लोप ये नजर आ रहा है, मैं यहाँ खड़े को देख रहा हूँ स्लोप ये नजर आ रहा है, यहाँ देख रहा हूँ ये नजर आ रहा है। तो भाई अहम बात ये है कि एक जो कर्व होगा जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा उसका स्लोप हर पॉइंट के ऊपर चेंज होगा। स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट पे फिक्स्ड होगा बट कर्व के अंदर हर पॉइंट के ऊपर उसका स्लोप जो है वो चेंज हो रहा होगा। जैसे तो मैं एक सर्किल ड्रा करके हम चेक करते हैं, अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूं एक ऐसी लाइन, अब यहाँ इस दो पॉइंट्स के दरमियान देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, 1, 2, 3 काउंट कर लें, 1.1, 1.2 कर लें, 1.010, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स बन जाएंगे। एट एवरी पॉइंट इसका, क्योंकि जो पॉइंट वन है वो पॉइंट वो कभी भी 1.0000 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब थोड़ा बहुत खिसक गया। जब खिसक गया है यहां से तो जो लाइन यूं जा रही थी टेंजेंट, अब वो थोड़ा सा मूव करने की वजह से कहीं ना कहीं इसमें फर्क जो है वो यकीनन आ गया, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ स्लोप जो है वो चेंज हो गया है, डायरेक्शन ऑफ स्लोप जो है वो चेंज हो गया है। तो कर्व के ऊपर हर पॉइंट पर कोई सा भी पॉइंट ले लें, माइनर सा भी डिफरेंस पॉइंट ले लें, ठीक है, उस पर स्लोप की डायरेक्शन जो है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। मैं यहाँ दूर दूर लगा रहा हूँ सो देट हम समझ सकें कि टेंजेंट लाइन अगर मैं इसे ड्रा करूं, एक ऐसी लाइन ड्रा करूं जो किसी कर्व के किसी एक सिंगल पॉइंट से, ये तो मैं ऐसी ड्रा कर रहा हूँ कि बीच में 1 करोड़ पॉइंट आ जाए, लेकिन ऐसी लाइन फर्ज जो किसी एक पॉइंट से टच करके गुजरे वो टेंजेंट लाइन है, तो वो ऐसी तो इनफाइनाइट, तो हर जगह पे स्लोप की डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब ये, अब इसका जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे स्लोप वो निकालेंगे हम विद द यूज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव के थ्रू जो है वो हम इसका स्लोप निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, जब हमारे पास लाइन स्ट्रेट होती है तो इसकी इक्वेशन जो है हमारे पास कैसी होती है भाई, लीनियर इक्वेशन होती है। जब भी तो लाइन है वो लीनियर का मतलब ही लाइन होता है, ठीक है, बाकी सबके लिए बात कर रहा हूं मैं जिनको नहीं पता कि लीनियर का मतलब ही क्या है, लाइन, लाइन से ही निकला है लीनियर, और लीनियर का स्लोप हमने लिख लिया क्या होता है भाई, y/x होता है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। लेकिन जो कर्व की इक्वेशन होती है वो कर्व की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होती। कैसी इक्वेशन होती है कर्व की, जो इक्वेशन है कैसी होती है भाई, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है, पॉलीनोमियल होती है, मोर देन, वैसे कर्व की क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक समझ लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो स्क्वायर होगा, mx स्क्वायर होगा प्लस mx होगा प्लस c होगा, मैं स्क्वायर हाथ से बना देता हूँ। अगर मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, इधर 1 है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है विल ऑलवेज बी अ कर्व, किसी भी तरह का कर्व हो सकता है, स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है, विल ऑलवेज बी अ कर्व। तो अब ड्रॉ करके देख ले, मैंने एक दफा आपको एक साइड भी बताई थी उसके ऊपर जाके आप ड्रॉ करके देख सकते हैं क्वाड्रेटिक का कर्व कैसा आ रहा है, इसका कर्व कैसा आ रहा है। लेट मी सर्च, अगर ये मिल जाती है तो मैं दोबारा दिखाता हूँ। किसी को पता यार कुछ नाम हम ग्राफ ग्राफ करके कुछ था, ग्राफिंग कैलकुलेटर,
ठीक है, यहाँ मैं इक्वेशन दे देता हूँ, y इज इक्वल टू 3x + x 4 दे दिया। देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, इसने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो तो बना दिए, और आप देख सकते हैं ठीक है। यहाँ मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता हूँ, 3x² कहाँ से लगाऊं, (3x²) + (4x+1) - (2) ये हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है, अजीब सा बन रहा है कर, लेकिन बहरहाल ये कर्व जो है वो बन रहा है। यहाँ पे (x²) + (2x+1) चलो ये बताते हैं, मजेदार आउटपुट नहीं आ रहा है। मैं इमेज में ही दिखा देता हूँ यार, ये हमारे पास ऐसा आना चाहिए। देखो सारे कर्व्स है, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाला तो हमने यूज करना है अभी, (x²) - (2x+3), ये सारे स्क्वायर वाली इक्वेशन होंगी ठीक है। तो स्क्वायर वाली इक्वेशंस का जो है वो सारे कर्व बनेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा ठीक है, कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा (b²) - (4). ठीक है, तो अब जो है यहां पर हमारे पास ये भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व होगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, तो मेरी इक्वेशन जो भी इक्वेशन होगी मैं उस इक्वेशन पे जो है उसका डेरिवेटिव निकालूंगा। जैसे ले लेता हूं मैं, इमेज मैंने ले ली है यहाँ पर, ये मेरे पास। अब मुझे जो है वो इसका स्लोप निकालना है, इक्वेशन मेरे पास है तो सबको पता है
क्या करने लगा। अब इसका स्लोप निकालने के लिए ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन है। इसका स्लोप निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। व्हाट इज अ डेरिवेटिव, जरा ऐड करें अभी, डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव ये होता है किसी बड़ी शेप, बड़ी शेप को, बड़ी शेप की वैल्यू को उसको छोटी शेप में लेकर आना, आई थिंक, अगर मैं गलत हूं तो मुझे। चेंज इन स्लोप ऑफ द वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू अदर वैल्यू, चेंज इन वन वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू अदर वैल्यू, या चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये मैंने क्या बात लिख दी, इसको करते हैं। इन दिस केस, इस इक्वेशन के केस के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, y, जो हमारा टारगेट होता है, और जो इनडिपेंडेंट है वो हमारा कौन है, वो x है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जब मैं x की इंडिपेंडेंट वैल्यू यहाँ डिफरेंट डालूंगा तो y की वैल्यू अलग अलग आएंगी ना, कम ज्यादा होंगी ना, सब बताएं। यस सर, कम ज्यादा होंगी, डेफिनेटली होंगी। तो इसका मतलब जो है वो x इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से आ रहा है, बट x की जो भी वैल्यू है वो, y की जो भी वैल्यू है वो डिपेंडेंट है x के ऊपर। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई ये जो चेंज है x में और y में, ये कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, इसका चेंज में मालूम करना चाह रहा हूँ कि x की वैल्यू में इतना चेंज आ रहा है तो y की वैल्यू में इतना चेंज आ रहा है, यानी रेशो मालूम करना चाह रहा हूँ। जैसे लीनियर में रेशो था बिटवीन y एंड x, बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हमारे पास टेंजेंट निकलता था। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे ये चेंज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव लेना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहीं पर आपको डेरिवेटिव बहुत सिंपल अंदाज में सिखा देता हूं, ठीक है, कि हमारे पास मैं इक्वेशन ले लेता हूं, पहले बड़ी सिंपल सी इक्वेशन ले लेता हूं, y इज इक्वल टू मेरे पास इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर मैंने कह दिया भाई x है, और यहां पे मैंने कह दिया मेरे पास 1 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिफरेंशिएट होता है डेरिवेटिव के अंदर, उसके अंदर हम चेंज मालूम करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, आप लिखते भी होंगे वहां पर, इंटर में भी पढ़ा होगा, आगे भी, क्योंकि डिफरेंशिएट करें, ठीक है, डिफरेंशिएट वाई या उसका जो भी फंक्शन का नाम है, डिफरेंशिएट वाई करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रेस्पेक्ट से वाई डिफरेंशिएट हो रहा है। ये लिखते इसलिए हैं कि बाज दफा हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल्स हो सकते हैं जो इनडिपेंडेंट हो, तो हम उसके अंदर देखेंगे, अभी करेंगे भी, डिफरेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या कर रहे होते हैं भाई, हम ये कहते हैं भाई जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम सिंपली ये कहते हैं कि भाई एक ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं डी अपॉन डी एक्स, दोनों साइड पे अप्लाई कर देते हैं, इधर भी अप्लाई कर देते हैं और इधर भी अप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ ये डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, दोनों साइड पे डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई हो रहा है, वहां सिर्फ वाई है और यहाँ पे कौन है, टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वन,
ये हमारे पास, ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दी, ये चीज जो है ये वाली, ये अप्लाई कर दी, जो हमने कहा डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं वाई को विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डिफरेंशिएट कर, सॉरी मैंने नीचे वाई लिख दिया है, यहाँ एक्स आएगा, ठीक है, ये दोनों तरफ अप्लाई हो गया ये ऑपरेटर। अब जब ये दोनों तरफ अप्लाई होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यही चीज जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, यानी इसको मैं कह सकता हूं यहां पर, अब मैं मिला के लिख रहा हूं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वही चीज तो है स्लोप वाली, वाई अपॉन एक्स, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इसको डेल्टा यूं भी ले सकता हूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ यूज केसेस में लिखा जाता है, बट यू विल सी कि भाई वाई के अंदर जो है वो एक्स की रेस्पेक्ट से कितना चेंज हुआ। अब यहां तो ये हो गया, इसी को मैं कह देता हूं कि भाई ये क्या है, ये स्लोप ऑफ कर्व है, ये स्लोप है या ग्रेडियंट है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वो मुझे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो है वो कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो हम क्या करते हैं, आसान सा फार्मूला होता है डेरिवेटिव कैलकुलेट करते वक्त, एक सीक्वेंस होती है कि हम पहले पावर जो अगर लगी हुई है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अंदर अगर कोई वेरिएबल या कोई मैथमेटिकल फंक्शन या ज्योमेट्रिकल फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके साथ अगर कोई एंगल लिखा हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अभी मैं बता देता हूँ ये सब चीजें क्या है। तो अब यहाँ पर इसके पास सिंगल क्वांटिटी नहीं है, इसके पास तीन क्वांटिटीज हैं, तो वी कैन डू इट कि भाई हम जो है वो क्या करें, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये तीन दफा जो है अप्लाई हो जाएगा, एक किसके साथ अप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी अप्लाई हो जाएगा, इस पे अलग अप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस साइन और ये बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर ये वाला एक्स और यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन, तीनों के पास चला जाएगा ना, वेक्टराइज ऑपरेशन हो जाएगा जैसे नंपाई में होता है डिपन, तो यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। अब क्या होता, अब हम ये वाली चीज देखेंगे, पहले पावर पे अप्लाई होगा, जब ये चीज इम्प्लीमेंट होगी ना, जब ये चीज इस पे इम्प्लीमेंट होगी, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी सिर्फ अटैच हुई, इम्प्लीमेंट होगी तो पहले पावर पे अप्लाई होगी। क्या होता है जी, पावर जो भी होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है, नीचे आ जाती है, ठीक है, और नीचे कौन लिखा बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है टू एक्स, और पावर जो है फिर एक कम हो जाती है, यानी फार्मूला क्या होता है हमारे पास कि अगर x के ऊपर n लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है n नीचे और x की पावर एक कम हो जाती है, n नीचे उतर जाता है वो एक कम हो जाता, और जो कोफिशियंट अगर लिखा हुआ है टू या थ्री है जो भी वो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर जो कोफिशियंट लिखा होता है टू वो ऐसे ही है, पावर नीचे उतर गई और ऊपर टू पावर थी, टू माइनस वन होके पावर इसकी वन बन गई, ठीक हो गया। फिर इधर आ जाए, इधर पावर कितनी है वन, वन नहीं लिख दू, ठीक है, और बल्कि इसको डायरेक्टली काटना सिखा देता हूँ, ज्यादा उलझन में नहीं, ये ऊपर भी डी एक्स है और नीचे भी डी एक्स है, ये कैंसिल आउट हो, तो ये वन बन गया, वन बन गया, और जितना भी कोई कॉन्स्टेंट नंबर लिखा होगा, अकेला नंबर लिखा होगा, जस्ट लाइक यहाँ वन लिखा हुआ है, यहाँ फोर लिखा हुआ है, हर नंबर का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, हर नंबर का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो डेरिवेटिव बना वो क्या बन गया, फोर एक्स प्लस वन, यानी जो मेरा स्लोप आया वो कितना आ गया, 4x माइनस वन, जो मेरा टेंजेंट आया, जो मेरा m आया। अब ये कैसा आया डेरिवेटिव आ गया, पहले हम लीनियर में डेरिवेटिव निकालते थे तो हमारे पास एक इक्वेशन नहीं आती थी, बल्कि हमारे पास एक नंबर आ जाता था, यहाँ तो नंबर आया ही नहीं,
यहाँ तो इक्वेशन के बदले में एक और इक्वेशन जो है हमारे पास मिल के आ गई, ठीक है। तो अब मसला ये एक यूं समझ लें, ये एक जनरल डेरिवेटिव आपको मिल गया, जनरल डेरिवेटिव मिल गया। क्यों जनरल कह रहा हूं, जनरल इसलिए कह रहा हूं कि एट किसी भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव चेंज होगा। तो अब अगर मुझे एक डेरिवेटिव निकालना है, स्लोप निकालना है पॉइंट 0 0 पे, 0 0 इसकी जो भी इक्वेशन होगी। अच्छा ये वाली बात समझ में आ गई डेरिवेटिव वाली, फिर मैं इसी पे आ जाऊंगा डायरेक्ट। यस सर, क्लियर। जिन्होंने पढ़ा हुआ उनके लिए तो बड़ी आसान चीज है, बच्चों वाली चीज, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो वो बताए मुझे बात। कोई ऐसा बंदा है इस वक्त मौजूद हमारे साथ 35-40 लोगों में जिसको ये बात नहीं समझ में आई है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है सर? क्लियर है, गुड। तो अब मैं बकायदा क्या करता हूँ, अब मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। ये डेरिवेटिव निकालना था आपने सीख लिया, यस 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 यस। ये रूल है, इसको कहते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये रूल है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अच्छा वो इसलिए होता है, वो बता दूं मैं, देखें वो ऐसे ही नहीं कि रूल बन गया, मैं बता देता हूँ कि जब हमारे पास यहाँ करके मैंने डी अपॉन डी एक्स किया, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 5 लिखा हुआ है, तो अब इसका डेरिवेटिव जीरो क्यों है? भाई इसका डेरिवेटिव जीरो इसलिए है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो मौजूद नहीं। अगर वेरिएबल मौजूद ना हो तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल अगर किसी की पावर जीरो हो ना, वो 1 के बराबर होता है, ये पता है। किसी भी चीज की पावर अगर जीरो हो तो उसका जवाब 1 आता है। अच्छा हाँ, तो अब मैं करता हूं, मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरा जो ये वेरिएबल यहां से गायब है ना, वो एक्स जीरो है, बात बराबर है ना, उसकी जगह 1 आ जाएगा, 5 अंदर 5, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, देखें अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ कि भाई ये 5 जो है कोफिशियंट है और 0 पावर नीचे उतरी और x की पावर कितनी हो गई, 0 माइनस 1। अब किसी को 0 से मल्टीप्लाई करूं क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, और 5 बाहर बैठा हुआ है तो 5 0 0, तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता, ठीक हो गया। तो हटा दूं इसको, ओके। अब ये हो, अब हम अपनी इस वाली इमेज पे आते हैं और इसी का डेरिवेटिव निकालते हैं और यहाँ पर हम स्लोप निकाल के देखेंगे। तो मैं जल्दी से करता हूँ, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ इसका स्लोप जो है वो क्या आएगा, सॉरी अगर मैं इसका स्लोप डायरेक्ट लिखूं तो क्या हो जाएगा, भी पावर नीचे उतरेगी तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 बन जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है, प्लस इसकी पावर 1 है नीचे उतरेगी, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 1 4 बन जाएगी और x की पावर 0 हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, इसकी 0 की x की पावर 0 होगी, 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो ये फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, अगर 4 कॉमन भी निकाल लूँ चलो जरूरत नहीं है, 4x+4। इस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव वो 4x+4 आ गया इसका। ये समझ में आया सबको, जल्दी तो नहीं कर दिया मैंने? समझ आया, ठीक है। अब जो है, अब मसला ये है कि जनरल डेरिवेटिव तो निकल गया है, अब क्योंकि भाई हर पॉइंट पे डेरिवेटिव चेंज होता है, तो मैं हर दफा इससे पूछूंगा कि तुम्हें किस पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए, तो वो बोलेगा भाई मुझे जो है, मुझे फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव चाहिए 0.1 पे, क्योंकि अब यहाँ बहुत सारे पॉइंट है ना, मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, बल्कि यहीं से पॉइंट लेता हूँ
मुझे डेरिवेटिव चाहिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आ रहा है माइनस टू और वाई में ये पॉइंट आ रहा है कोई 3.5 फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे इस पॉइंट पे चाहिए डेरिवेटिव, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि स्लोप मैं निकाल रहा हूँ किस पॉइंट पे, -2, 3.5, ये दोनों वैल्यूज जो हैं मैं अब इसके अंदर पुट कर दूंगा, 4 x की वैल्यू होगी -2 और चूंकि y है नहीं तो y की वैल्यू 3.5 जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, यहां पर हो गया 4 × -8 + 4, ये इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास माइनस का 4। तो इस कर्व में, आप समझ लीजिए मेरा जुमला, इस कर्व में इस पॉइंट पर डेरिवेटिव स्लोप कितना है -4, समझ में आई बात। अगर कोई मुझसे कहता है भाई इस पॉइंट पे निकालो, तो ये पॉइंट यहां बनता है दिस और यहां बनता है दिस, तो मैं ये पॉइंट रखूंगा और यहां पर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो एवरी पॉइंट जैसे जैसे मैं ऊपर नीचे जाता रहूंगा डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, यानी स्लोप की वैल्यू जो है उस पॉइंट पे चेंज होती रहेगी। इतनी बात समझ आ गई? यस सर, क्लियर है। ठीक है, स्लोप की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अब यही फिनोमिना जो है वो अप्लाई करेंगे। अब जब अगर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये है कि स्लोप की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में भाई, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो स्लोप की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, अपवर्ड होगी। आप निकाल के देख लें, इस पॉइंट पे निकाल लें 6, मैं कहता हूं 2 और 6 पे डेरिवेटिव निकाल लो, 2 और 6 पे, तो क्या हो जाएगा 4 x में आ गया 2 पॉजिटिव, y है नहीं इस इक्वेशन के अंदर शामिल नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया 12, ये आ गई पॉजिटिव स्लोप आ गया। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है कि इट इज मूविंग अपवर्ड। अब बताएं कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आई हो बात? समझ आ गई सर। गुड हो गया, जबरदस्त। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, देखो हमने पढ़ना है ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही है, तो डिसेंट स्लोप, इसका नाम ही एल्गोरिथम का क्या है, डिसेंट स्लोप। कि हमारा जब मैंने आपको शुरू में अभी पिछले दिनों क्लास में बताई थी ये बात, कि जब वो प्रोग्राम शुरू करता है रैंडमली इनिशियलाइज करता है, ये जो इक्वेशन होगी, ये जो इक्वेशन यहाँ यूज कर रहा हूँ, ये हमारी लॉस की इक्वेशन होगी। लेट्स सी इट, परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। ठीक है, आप चलते हैं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ फॉर द टाइम की, बल्कि इसको सफाया कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर आता हूँ मैं, कुछ सर्च करता हूँ, कुछ मिल जाए ग्रेडियंट डिसेंट का, जिससे जरा एनिमेटेड मिल जाए, ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर एनिमेशन, चलती भी मिल जाए ना, जरा थोड़ा जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा। लेट्स सी इट क्या दिखाता है। साउंड भी शेयर कर दिया है मैंने, सिस्टम का मसला हल नहीं हुआ, सब कुछ साफ कर दिया लेकिन अभी तक वैसे ही शुरू चल रहा है, पहले से कदरे बेहतर है।
सारे ऐड नजर आ रहे हैं, काम के लिए नजर नहीं आ रही। नहीं साथ दे रहा है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, यहाँ पे लाइट नहीं है और बैटरी भी खत्म होने वाली है, अगर आप 10 मिनट का ब्रेक ले लें तब तक शायद लाइट भी आ जाए, दोबारा आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। चलो चलो ब्रेक ले लेते हैं, काफी देर वैसे भी हो गई, देर में शुरू किया नमाज का टाइम, अजान भी हो गई, तो हम जो है ना 5:12 हो रहे हैं मेरे लैपटॉप में जी, तो हम वापस आते हैं 5:30, थोड़ा और क्लास आगे बढ़ा लेंगे। मैं लॉग आउट जा रहा हूँ, सिस्टम शट डाउन करके दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो आप लोग मौजूद रहिए। थैंक यू सर। अच्छा जी, टाइम हो गया, शुरू करें। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आवाज ठीक आ रही है? यस सर, क्लियर है आपके पास। ठीक है, सिस्टम भी रिस्टार्ट हो गया, थोड़ा वजद में आ गया। सर मैंने कह दिया कि सर ये काइंडली आज की भी जो नोटबुक है ये भी अपलोड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने वहां से यहाँ रख लिया रिकॉर्डिंग सर, तो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अच्छा, हम पहुंचे थे कहां पर कि हमने जो है वो डेरिवेटिव निकालना सीख लिया था। अब सीन ये है कि हम इस चीज को कहां इंप्लीमेंट करेंगे। ग्रेडियंट निकालने तो हमने सीख लिया है, डिसेंट ग्रेडियंट जो हमने निकालना था, हम वीडियो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ग्रेडियंट डिसेंट एनिमेशन।
Hey guys and girls, it's Devin from 918 Software. The first thing we're gonna do, we're gonna look at a formula for batch gradient descent, make sure that we understand the formula. B, we're gonna look at a Python input, some code that... So when you first open the notebook, you'll see Daunt here, more information. So here we have an implementation of gradient installation. The thing to keep in mind here is we're trying to find the best fit line through a matrix of divided by the... making up the slope. Then we update... बेसिकली ये वो सर्च है जो ऑप्टिमाइज होके वो कर रहा है इतने बड़े विलेज के ऊपर, अभी आपके समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा लेवल इसका प्लेन बड़ा है, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। This is more toolkit that I create. So there are first part is, which is a parabolic curve. ये है हमारे पास देखिए, जैसे जैसे लाइन जो है वो ऊपर नीचे होती है ये एडजस्ट करता है। So with this हम चलते हैं वापस। अच्छा जी, हमारे पास क्या होता है देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजर या ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर, मुख्तलिफ नाम इसके, मुख्तलिफ वर्जन जो है वो मार्केट में हमारे पास मौजूद है। समझिएगा बहुत आसानी से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ये लंबी चौड़ी जो वीडियो में अजीब सी बातें आ रही है ना से जान छूट जाएगी। मैं बनाता हूँ इमेज, सबसे पहले तो हमने डेरिवेटिव निकालना तो सीख लिया ना कि डेरिवेटिव क्या होता है, सारी चीजें क्या होती है। अब हम फाइनली जो है उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर की मैथमेटिक्स बेसिकली है क्या। ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर को किसी भी इक्वेशन के अंदर दो चीजें ऑप्टिमाइज करनी होती है, ठीक है, एक होता है एम और दूसरा होता है बी, एम और बी को ऑप्टिमाइज करना पड़ता, ठीक है। ग्रेडियंट बेस ऑप्टिमाइजर बेसिकली जो एम जो ऑप्टिमाइज करता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, मैं यहां लिख रहा हूं, फिर इस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे और समझेंगे। एम प्लस एरर टाइम्स एक्स, एरर टाइम्स एक्स मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट, ये एम की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा ये एम की इक्वेशन में भी चेंज कर दूं, ये एम होगा वन, ये एम होगा प्रीवियस और लास्ट। इसी तरह बी के लिए हमारे पास करंट और बी जीरो प्लस एरर टाइम्स लर्निंग रेट,
अभी एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे हम। ये हमारी दो इक्वेशंस है ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर की, यानी कि ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से वो जल्दी से ऑप्टिमाइज हो जाता है। ये वो फार्मूला है जिसकी तरह से जल्दी से ऑप्टिमाइज हो जाता है। अब देखें हमारे पास क्या होता है, मैं पूरी बात लेके चलता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले एक डेटा होता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेट होंगे, कोई बात नहीं। एक हमारे पास डेटा है, डेटा हम प्लॉट कर लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ डेटा बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स जो है हमारे पास है, स्कैटर्ड प्लॉट हुआ हुआ है, आपने देखा हुआ है, सब हमने किया हुआ पहले भी, कोई नया नहीं बात। अच्छा, इस डेटा के ऊपर जाहिर है हमने बेसफिट लाइन जो है वो निकालनी होती, तो एक बेसफिट लाइन में वैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, हमने बेसफिट लाइन ड्रॉ कर दी, फॉर एग्जाम्पल ये बेसफिट होगी, तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये बेसिकली ये लाइन क्या है, ये लाइन आप लोग भी कोशिश करें लिखते रहें अपने पास, इसको ड्राइव कर लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ये लाइन है, ये हमारे पास ये लाइन एम एक्स प्लस बी, और ये प्रिडिक्टेड वाली लाइन है ना, इसको कैप लगा देता हूँ या नीचे इसके p लिख देता हूँ, प्रिडिक्टेड लाइन है ये जो प्रिडिक्ट करेगी हमारी वैल्यूज को, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि भाई हमारे पास हमारा मॉडल होता है, हमारे पास हमारा मॉडल होता है, मॉडल के अंदर हम x इनपुट करते हैं, ठीक है, x इनपुट करते हैं, ये इस मशीन लर्निंग मॉडल में जाती है, ये लाइन होती है मॉडल की, और यहां से हमारे पास एक प्रिडिक्टेड y जो है वो या गैस वैल्यू जो है वो निकल आती है, ठीक है, गैस वैल्यू निकल आती है। ये गैस वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू के दरमियान डिफरेंस होता है, लाइक इस पॉइंट के ऊपर ये गैस वैल्यू यहाँ आ रही है बट ओरिजिनल वैल्यू यहाँ आ रही है, तो देयर इज अ डिफरेंस, इधर इनके दरमियान डिफरेंस है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू मैच हो गई, उस लाइन पे आ गई, तो हमें ये मालूम है कि भाई जो हमारे पास ये है लॉस होता है, लॉस क्या होता है, किसी को याद है व्हाट वाज लॉस, लॉस क्या था, सर प्रेडिक्टेड वैल्यू ओरिजिनल माइनस ओरिजिनल माइनस प्रेडिक्टेड या प्रेडिक्टेड माइनस ओरिजिनल, या मैं इसको दूसरी टर्म्स में लिखूं तो मैं कह सकता हूं एरर क्या है मेरे पास, एरर मेरे पास है गैस वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, गैस वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, यानी इसको यूं भी लिख सकता हूँ y कैप, हम आमतौर पे कैप लगा देते हैं प्रिडिक्टेड, y कैप माइनस y या गैस माइनस y, ये मेरा एरर है, ये जो डिफरेंस आएगा ये एरर कहलाएगा, यहां तक बात सही। अगर मैं इसका मैथमेटिकल फंक्शन बनाने जाऊं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, अगर मैं इसका मैथमेटिकल फंक्शन बनाने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इस फंक्शन का नाम लूंगा मेरा कॉस्ट फंक्शन है या एरर फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन है या एरर फंक्शन है, इसको मैं डिनोट कर दूंगा कॉस्ट से या लॉस से या एरर से, या इसको आम तौर पे मैथमेटिकल नोटेशन में जे से भी डोनेट कर,
ठीक है, गैस वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, बट एक तो नहीं है मेरे पास, वी हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूज, तो हम क्या लिखते हैं लॉस फंक्शन के अंदर, थोड़ा सा मैं इसको जगह देता हूं यहाँ पे, लॉस फंक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं भाई, समेशन तमाम वैल्यूज का समेशन स्टार्टिंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 1, के 1 से शुरू होंगी वैल्यूज और n नंबर ऑफ वैल्यूज तक जाएंगी, गैस माइनस y सबका डिफरेंस निकालेगा, ठीक है सबका डिफरेंस निकालेगा, और ऊपर हम इसका ले लेते हैं रूट मीन स्क्वायर, ताकि वैल्यूज जो है नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव वैल्यूज है बाद में इसको चेंज भी कर लेंगे, नेगेटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाए, तो ये हमारा लॉस फंक्शन बन गया, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है ये हमारी लॉस फंक्शन की इक्वेशन, गैस माइनस वाई, वेयर वेयर गैस किसके बराबर है, गैस को अगर मैं बराबर चेक करना शुरू करूं तो गैस की इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, और ओरिजिनल जो है हमारे पास वाई है, वो हमारे डेटा में मौजूद होता है। अब मैं अगर रिप्लेसमेंट करूं, अब ये लॉस फंक्शन है, ठीक है, क्या ये लॉस फंक्शन है, एंड फंक्शंस कैन बी ऑप्टिमाइज्ड लाइक, अब मैं एक बात समझाने लगा अलग से फिर इसको मिटा दूंगा, मेरे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर, मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, मैं कह रहा हूं ये फंक्शन कोई सा भी है, किसी भी चीज का मुझे नहीं पता किस चीज का है, बस ये फंक्शन है, मैं कह रहा हूं भाई इस फंक्शन को मैंने मिनिमाइज करना है, फंक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड, फंक्शन कैन बी मैक्सिमाइज्ड, तो अगर मैंने फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो मैंने कुछ वैल्यू सप्लाई करनी है एक्स की, उससे फंक्शन की वैल्यू कम से कम आए, व्हाट कैन बी दैट वैल्यू, कि वाई की वैल्यू जो है वो कम से कम आए, एक्स जो है हमारा वाई डिपेंडेंट है ना, कम से कम आए, एक्स की क्या वैल्यू रखूं, डेफिनेटली आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू जो है वो क्या रख दी जाए, जीरो रख दी जाए, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू दे रहा है एट पॉइंट जीरो, और भी हो सकती है, मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, सपोज कर लें इट्स एक्स की वैल्यू जीरो रख रहा हूँ तो वाई की वैल्यू रख रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ फंक्शन इज मिनिमाइज्ड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताओ कि जो हमारा लॉस फंक्शन है या कॉस्ट फंक्शन है, इसको मुझे ऑप्टिमाइज करते हुए मिनिमम करना चाहिए मैक्सिमम करना चाहिए, ये मॉडल क्या करता होगा, सर मिनिमम करेगा लॉस को, मिनिमम करेगा, डेफिनेटली मिनिमम करेगा, उसका काम जो है क्या है, लॉस कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, तो मिनिमम करेगा वो, ठीक है, तो अब मैं यहां कह सकता हूं कि आवर गोल क्या है, आवर गोल ये है कि मिनिमाइज फंक्शन, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, ठीक है, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, किस तरह से इन मिनिमाइज करना है इस फंक्शन को, बाय सप्लाइंग वैल्यूज ऑफ एम एंड बी, एम एंड बी की ऐसी वैल्यू सप्लाई करनी है कि फंक्शन मिनिमाइज, अब बोलेंगे एम एंड बी तो नजर नहीं आ रहा, एम एंड बी यहां पर है ना गैस के अंदर, गैस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, लॉस फंक्शन मुझे कैसा नजर आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा जे इज अ फंक्शन, जे इज अ फंक्शन ऑफ एम एंड बी, ओके, वहां दो वेरिएबल है, जे इज अ फंक्शन ऑफ एम एंड बी, और किसके बराबर है, वाई एम एक्स प्लस बी माइनस ओरिजिनल वाई, एम एक्स प्लस बी वही है हमारा, कौन कौन भाई, इसके बारे में हमने कहा है भाई आप जो है गैस वैल्यू हो, और यहाँ पे मैं इसको फिलअप कर देता हूँ, ये स्क्वायर लग जाएगा,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ, ये समेशन के लिए बनाया मैंने ई आई से लेके एन तक, तो ये मेरी मैथमेटिकल नोटेशन जो है वो बन गई, ये मेरी इसी की जगह फिल कर दिया, गैस की जगह गैस की इक्वेशन रख दी है और कैपिटल वाई ओरिजिनल वाला वैसे रहा, ऊपर स्क्वायर लगा। तो जे यानी मेरा लॉस फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एम एंड बी, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, ये बात समझे क्यों दो वेरिएबल्स हैं, बिकॉज इसके अंदर जब मैं लिखता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स तो इसका मतलब होता है अंदर एक्स इंडिपेंडेंट है, जब मैं लिखता हूँ फंक्शन ऑफ जी तो इसका मतलब होता है अंदर जी इंडिपेंडेंट है, बट अगर मैं यहाँ पर यूं करके लिख दूं फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो इसका मतलब ये है कि अंदर इक्वेशन में एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है इंडिपेंडेंट के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कॉस्ट जे इज अ फंक्शन ऑफ एम एंड बी बिकॉज एम एक्स जो है ऐसी वैल्यू है जो डेटा में मौजूद है, फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है, टारगेट वेरिएबल वाई डेटा में मौजूद है, कॉन्स्टेंट है, तो चेंज होने वाली वैल्यूज कौन सी हैं, जाहिर यही दो हैं एम और बी जिसको हमने चेंज करना है और यही हमारे इंडिपेंडेंट है, बाकी तो वाई और एम बी वाई और एक्स जो है वो फिक्स्ड वैल्यूज है और बाहर जो लॉस आएगा वो डिपेंडेंट है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, आगे समझ में यहाँ तक इस वाले पोर्शन को यहां से हटता। अब मैंने इस इक्वेशन इस फंक्शन को जो है वो मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मिनिमाइज वाली बात समझ में आ गई, मैं लेट करता हूँ कि भाई मैंने सपोज किया कि जो मेरा कॉस्ट फंक्शन है जिस इसको अगर मैं वाई के इक्वल ले लूं और जो मेरे पास गैस माइनस वाई है इसको मैंने ऊपर इक्वेशन लिख दी है, कोई बात नहीं, उसको मैं कह दूं कि ये एरर है, ये क्या है गैस माइनस वाई एरर है ना, एरर है, तो मेरी जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन जो यहां नजर आ रही है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, देखें क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी गॉसियन लॉस की जगह मैंने रख दिया वाई, फिर मैथमेटिकल फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, वाई रख दिया, ठीक है। और यहाँ एक चीज मैंने ऐड नहीं करी, एरर, और एरर को मैंने कह दिया किसके बराबर है, एरर को मैंने कह दिया कि जो एरर है गैस माइनस वाई का वो बराबर है एक्स के, ठीक है। ठीक है, मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखें y इज इक्वल टू इसकी जगह आगे y और गैस माइनस वाई की जगह आगे एरर, और एरर जो है बराबर है x के और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम इक्वेशन है सिर्फ वेरिएबल के नाम जो है वो चेंज कर दिए, ठीक है। यहां तक बात बताएं, सिर्फ एक्स वाई की टर्म में ले आने के लिए ताकि डेरिवेटिव करते हुए हमें आसानी हो जाए, एक्स वाई कर दिया, मैंने बोल दिया जो ये वाली साइड है इसको बोल दिया वाई, ये वाली साइड जो है यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने बोल दिया, दोनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, वाई कह लूं जे कह लूं है एक ही चीज, कॉस्ट फंक्शन कह लूं लॉस फंक्शन कह लूं उसका जो भी नाम, उसको मैंने नाम बदल के वाई कर दिया, और जो अंदर वाली चीज थी गैस माइनस वाई उसको मैंने कह दिया एरर, और एरर को मैंने नया नाम दे दिया कि एरर जो है वो एक्स के बराबर है, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर, इसको मैं बी कह लेता हूँ ताकि थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, बताएं कितने लोगों को समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है सबको, क्लियर है, यस सर। यहाँ एक्स के साथ समेशन भी आएगा, वो ऑटोमेटिकली समेशन है ना, तो जब पूरी पूरी मल्टीपल वैल्यूज डालते रहेंगे, जब अगर मेरे पास एक्स की यहाँ 10 वैल्यूज हैं
तो मैं पहले x की एक वैल्यू डालूंगा, दूसरी वैल्यू डालूंगा, तीसरी वैल्यू डालूंगा, y की उतनी वैल्यू आती रहेंगी। तो समेशन ही है, उसमें समेशन लगा भी लें कोई इशू नहीं, ना भी लगाएं। अभी हमारे पास, अभी मेरे पास इक्वेशन बन गई, अब मैं जरा तेजी से चलता हूँ। अब मेरे पास इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये इक्वेशन किसकी होती है, ये इक्वेशन होती है क्या कहलाती है इक्वेशन, किसी को याद है? बचपन में पढ़ा होगा अब तो आप लोग, पैराबोला कहलाती है। पैराबोला, पैराबोला का ग्राफ जो है वो कैसा होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ये अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इसका ग्राफ जो है वो यूं बनेगा। अगर ये माइनस एक्स हो जाएगा तो इसका ग्राफ जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास ये पैराबोला जो है वो बन गया। मैं ग्राफ जरा सही से बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है बस चले खैर है। अभी हमारे पास पैराबोला का ग्राफ बन गया। अच्छा ये किस चीज का ग्राफ है, पैराबोला तो है, किस चीज का ग्राफ है? लॉस का ग्राफ, लॉस फंक्शन का, ठीक है ना, जो डिफरेंस कैलकुलेट होता है, लॉस कैलकुलेट होता है, उसका ग्राफ है। अब देखें होता क्या है, ये ऐसा ग्राफ होता है कि यहाँ पर भी इनफाइनाइट जाता है और यहाँ पर भी इनफाइनाइट जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे बढ़ना है और इस फंक्शन को मिनिमाइज करके कुछ पॉइंट्स निकालने, ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। इस हमने क्या करना है, हमने मिनिमाइज करना है फंक्शन को, फाइंडिंग एन एक्स दैट प्रोड्यूसेस लोएस्ट वाई। हमने ऐसा एक्स डालना है कि वाई जो है वो क्या हो जाए, लोएस्ट हो जाए। अभी मैंने बताया था ना मिनिमाइज करने का मतलब क्या होता है, कि इनडिपेंडेंट वैल्यू ऐसी डाली जाए कि फंक्शन की वैल्यू या डिपेंडेंट वैल्यू जो है वो कम से कम आ जाए। लाइक वाइज फाइंडिंग द लोअर वैल्यू ऑफ एरर, और एक्स क्या है, एग्जैक्ट एरर है। तो मैं अगर एरर की टर्म में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई एरर का इतना कम आना चाहिए और एरर की इतनी कम वैल्यू माइनस करें, ठीक है, इतनी कम वैल्यू डालें या दें कि कॉस्ट जो है वो कम से कम हो जाए। अरे एरर कम होगा तो कॉस्ट खुद बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना, एरर कम होगा तो कॉस्ट खुद बहुत कम हो जाएगी। तो मैं एरर की टर्म में भी बात कर रहा हूँ, एक्स वाई की टर्म में भी बात कर रहा हूँ। कोई एक्स एरर है, वाई कॉस्ट है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, एक्स एरर है और वाई कॉस्ट है। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक्स कम करना है तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ एरर कम करना है, इतना ऐसी एरर की वैल्यू आनी चाहिए कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम से कम है इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन। अब मिनिमाइज करने के लिए वी हैव सो मैनी मेथड्स, ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए We have so many methods, हम कोई इस्तेमाल करेंगे। अच्छा यहाँ आ गए। अब होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, आप लोग अपने पर नोट कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं भाई हमारा जो ग्राफ है, मैं दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर ग्राफ है, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। अब होता क्या है जब मैंने पिछली दफा कहा था कि जब पहली दफा आइट्रेशन चलती है तो वो रैंडम वेट्स लेता है,
एंड रैंडम वेट लेने के बाद कुछ भी हो सकता है, वो कहीं भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल लॉस इतना ज्यादा आया कि लॉस इधर खड़ा हुआ है, लॉस में इतना इनफाइनाइट के करीब पहुंचा हुआ है इस पॉइंट पे. एवरीबॉडी सबको याद है ये बात ना भाई? वो जी सर आपने वो जो डायग्राम बना के बताई थी. जी जी. तो अभी हमारे पास हमने कहा यार ये जब पहली दफा चला इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, बट ऑन सेफ साइड हम कह रहे हैं लॉस बहुत ज्यादा आएगा बिकॉज उसने रैंडम वेट्स लिए हैं पहली दफा. ठीक है, इस तरह मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि कमरे में कोई चीज ढूंढनी है, आपने दरवाजे पे खड़ा कर दिया, उसे कहा सर्च करो और किसी भी पॉइंट पे सर्च करना शुरू कर दो, तो वो रैंडमली किसी एक पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाएगा, उसे नजर नहीं आ रहा. तो अब वो पता नहीं, हो सकता है वो सर्च ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब खड़ा हो जाए, हो सकता है वो दूर खड़ा हो जाए. तो वर्स्ट केस क्या है कि वो दूर खड़ा. तो अब ये जो पहली दफा चला तो यहाँ पर आ गए, तो ये इस पॉइंट पे खड़ा है, ये पॉइंट यकीनन एक्स वाई पॉइंट होगा, एक्स वाई प्लेन पर है. ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया पी पॉइंट. ठीक है, और यहीं पर इसकी कॉस्ट भी होगी जो इस वक्त मैक्सिमम आ रही होगी, बहुत ज्यादा आ रही होगी. ठीक है, अब इसको अंधा ही समझो ना, ये अंधा ही है, अंधा ही है. ये इसने यहां से शुरू कर दिया. अब बजाहिर बजाहिर आप लोग बता सकते हैं कि कॉस्ट के इस ग्राफ में लोवेस्ट वैल्यू कहां पर है. ठीक, डाउनवर्ड सर, डाउनवर्ड होगी. ये पॉइंट है, ये पॉइंट है सर, ओरिजिन पे है. यस, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, लेकिन ये बेचारा अंधा है, ये देख नहीं सकता. ठीक है, ये बेचारा अंधा है, ये देख नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन है ना, ये हमारी तरह आंख थोड़ी रखता है. इट वर्क्स ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो यहां पर आके अब इसको सोचना है, वही दो बातें जो मैं शुरू से कर रहा हूं कि भाई मुझे क्या सोचेगा ये, मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है. मैं तो अंधा हूं, मुझे पता नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ है, अभी तो आ गया. और चलो अगर कोई कह देता है या मुझे पता चल जाता है किसी भी तरह कि मुझे ऊपर जाना है, तो मैं कितनी छलांगे मारूं, या नीचे जाना है तो मैं कितने बड़े स्टेप लूं, छोटे छोटे स्टेप लेके जाऊं, या मैं बड़े बड़े एक छलांग यहां मारूं, दूसरी छलांग यहां मारूं, तीसरी छलांग वहां मारूं, घूमता रहूं, मुझे पॉइंट जहां पहुंचना था वो पॉइंट ही ना आए. मेरी बात समझ रहे? दो चीजों का फैसला करना है, दो चीजों का फैसला करना है, दो चीजों का फैसला करना है. यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, टू फाइंड द मिनिमम ऑफ द कॉस फंक्शन. ठीक है, अब दो चॉइसेस हैं. पॉइंट पी के पास, यानी उस ऑप्टिमाइजर के पास या पी के पास, पी हैज, बहुत आसान जवाब ले देता हूँ, पी हैज टू चॉइसेस, पी हैज टू चॉइसेस. ठीक है, कौन कौन सी भाई? या तो अपवर्ड मूव करे या डाउनवर्ड मूव करे, दो चॉइस है. ठीक है, और दूसरी एक और क्या है, डाउनवर्ड मूव करे और स्टेप साइज क्या हो, कहां भी जाना है स्टेप साइज क्या हो, स्मॉल या बिग. ये दो दो फैसले उसने जो है ना वो करने, पी को वहां खड़े होकर दो फैसले करने. ये दो फैसले वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा, दो फैसले वो मैथमेटिकल बुनियादों पे करेगा. ठीक है, ये कौन बताएगा इसको ये दो चीजें? ये दो चीजें उसे दो चीजें बताएंगी कि भाई Which way to move, ये बात उसे बताएगा डेरिवेटिव जो हमने सीखा है इतनी देर. ठीक है, और हाउ बिग स्टेप्स लेने ये कौन बताएगा? ये बताएगी लर्निंग रेट की वैल्यू. ये हम खुद एडिशनली सेट करेंगे, एडिशनली सेट करेंगे. ठीक है, तो अब विच वे टू मूव करने के लिए मुझे डेरिवेटिव निकालना है इस कॉस फंक्शन का, जिससे मुझे ये बात पता चल जाएगी. ठीक है, तो अब ये फिगर आउट करने के लिए हमने जो है वो क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है.
जी, तो हमारे पास अब डेरिवेटिव में क्या स्ट्रेट लाइन है, डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर कर्व है, हमारे पास कर्व डेरिवेटिव है इस पॉइंट के ऊपर। जब मैं कर्व निकालूंगा एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी यूं करके, ये वो डेरिवेटिव लाइन है जो मुझे निकालनी है, ये वो लाइन है जो मुझे ड्रॉ करनी है। अब चलते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए। हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन जो है ये है y इज इक्वल टू, ये तो हमारी वो अगर j की टर्म में बात कर लूं, j की टर्म में बात कर लूं तो ये हमारा फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भाई, m और b का फंक्शन है, j इज अ फंक्शन ऑफ m एंड b। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास है एरर का स्क्वायर। इक्वेशन हमारी क्या है, एरर का स्क्वायर। तो मैं इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, वापस पलटता हूँ, तो ये बन जाएगी एरर किसके बराबर था, एरर हमारे पास बराबर था एक्स के बराबर, गैस गैस हाँ एक्स के बराबर था, या गैस माइनस वाई के बराबर था। सिर्फ वो इक्वेशन बनाने के लिए, पैराबोला बनाने के लिए मैं यहाँ तक लेकर आया था, सो देट आपको समझ में आ जाए पैराबोला बन कैसे गया, वरना आप बोल रहे ये कहाँ से आ गया एरर गैस में, पैराबोला कहाँ से आ गया। गैस माइनस वाई और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। अच्छा और फर्दर मॉडिफाई करूं तो गैस किसके बराबर है, गैस बराबर है एम एक्स प्लस बी के बराबर है, ठीक है, और साथ में ओरिजिनल वाई लगा हुआ है। तो ये मेरी बन गई पूरी इक्वेशन, वापस आ गई। वापस आने के बाद ऊपर लगा हुआ स्क्वायर और ये है मेरा j, j विद m एंड b इक्वेशन। अब मैंने ये हमारे पास जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाते हैं तो उसको डेरिवेटिव करते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। किसी ने नाम सुना है पार्शियल डेरिवेटिव का? यस सर, यस सर, गुड गुड, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने सुना होगा जाहिर है पार्शियल डेरिवेटिव। अब मैं इसको क्योंकि दो दो डिपेंड दो इंडिपेंडेंट के साथ एक साथ में डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता, ठीक है, हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जब मैं इसको क्योंकि दो इंडिपेंडेंट है ना m और b, जब मैं इसको b की रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगा तो m को कॉन्स्टेंट रीड करूंगा, और जब मैं m की रेस्पेक्ट से करूंगा तो b को कॉन्स्टेंट रीड करूंगा। अब मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि भाई डिफरेंशिएट j विद रेस्पेक्ट टू m, j विद रेस्पेक्ट टू m, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, d अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब मैं लगाऊंगा d अपॉन किसकी रेस्पेक्ट से कर रहा हूँ, m की रेस्पेक्ट से कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, j को कर रहा हूँ, j में कौन कौन है, m और b है, और यहाँ पर भी क्या होगा, इट्स इक्वल टू दोनों तरफ लाया होता है ना, हम पीछे करके आए सिखा के आया हूँ d अपॉन dm, d अपॉन dm, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी m b माइनस y स्क्वायर, ठीक है, और बढ़ाते हैं हम नीचे। अच्छा जी, अब क्योंकि मैं m की रेस्पेक्ट से कर रहा हूँ, m की रेस्पेक्ट से कर रहा हूँ तो पहले तो क्या हो गई, पावर नीचे आएगी, ठीक है। अच्छा अगर आज चलो कर लेता हूँ, पहले तो कौन आ गई, टू आ जाएगा, नीचे आ गई पावर, नीचे आ गई, और ये क्या बन गया, टू m प्लस b, m प्लस b माइनस y, m प्लस b माइनस
वाई, ये हो गया, ये यहां तक पावर डिफरेंशिएट हो गई। अब मैंने अंदर वालों को डिफरेंशिएट करना है, अंदर वालों का एम क्या हो, जब मैं एम की रेस्पेक्ट से कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, डीएम अपॉन डीएम वन, डीएम अपॉन डीएम वन हो जाएगा, और फिर प्लस डीबी अपॉन डीएम, ठीक है, फिर माइनस डी वाई अपॉन डीएम, ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये बताएं, ये तो बन गया टू टाइम्स एम प्लस बी माइनस वाई, ये बन गया टू प्लस टू टाइम्स एम प्लस बी माइनस वाई, डी अपॉन डी एम कितना हो जाएगा भाई, वन आ जाएगा। और जब भी मैंने कहा है पार्शियल जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एम की रेस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो बी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, जीरो आ जाएगा, जीरो होता है। और वाई भी हमारा कांस्टेंट है, फिक्स डेटा है, फिक्स डेटा है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी जीरो हो गया। तो अब हमारे पास क्या बन गया, अब हमारे पास जब मैंने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया जे को विद रेस्पेक्ट टू एम जब किया, तो ये बन गया टू टाइम्स एरर, ये एरर ही है एम प्लस बी माइनस वाई। हाँ भाई, ये इतना पोर्शन क्या बन गया भाई, एरर की इक्वेशन भी तो यही थी ना, वाई माइनस वाई ओरिजिनल, ये सब तो वन से मल्टीप्लाई हो गया, वन हो जाएगा, टू टाइम्स एरर। हाँ भाई, तो जब मैंने इसको कर लिया डी जे अपॉन विद रेस्पेक्ट टू एम, तो ये बन गया एम और बी था यहां पर, एम की रेस्पेक्ट से किया तो ये टू टाइम्स एरर निकल आया। हाँ भाई बताएं। जी सर, ठीक है सर, टू टाइम्स एरर निकल आया। अब मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, किससे करना है, विद रेस्पेक्ट टू बी के हिसाब से सर। जी हाँ, विद रेस्पेक्ट टू डी, तो मैं इसको टू टाइम्स एरर कह दूं या टू टाइम्स एरर का मैंने ना कि नाम क्या दिया बता, एक्स दिया बता, तो टू एक्स भी कह सकता हूँ इसको, ठीक है, टू एक्स भी कह सकता हूँ। अब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, किससे करने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई डी जे, जे में दोनों मौजूद हैं, लिख रहा नहीं हूँ, विद रेस्पेक्ट टू टी बायस, बायस से करने जा रहा हूँ। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन थी हमारे पास इक्वेशन थी हमारे पास क्या थी भाई, एम एक्स प्लस b माइनस y और उस पर लगा हुआ था स्क्वायर, तो यहां पर भी यही होगा, पावर नीचे आई और ये एज इट इज हो गया, एम एक्स प्लस बी माइनस वाई, और जब अब अंदर का फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा जो अंदर मौजूद है, तो जब मैं b की रेस्पेक्ट से कर रहा हूँ, जब मैं b की रेस्पेक्ट से कर रहा हूँ तो m क्या हो गया मेरे पास, कोफिशिएंट, ठीक है, इसका जो है वो कोफिशिएंट हो गया, तो जवाब क्या आएगा, नहीं m m कांस्टेंट हो गया और x भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू क्या है सर, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, पूरी वैल्यू, हाँ पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये जीरो हो गया प्लस, और b को जब b के रेस्पेक्ट से करूंगा तो db अपॉन db कितना हो जाएगा, 1 सर आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब y है वो कांस्टेंट है वो भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा यहां पर, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा भैया, 2 टाइम्स एरर आ जाएगा, 2 टाइम x आ जाएगा,
टू टाइम्स एरर एक्स। अच्छा यहाँ पे डी बी एक चीज रह गई कोई सी, टाइम्स एरर एक्स, एक एक्स बचेगा ना यहाँ पर, एक एक्स बचेगा एम, और ये बन जाएगा टू एम एक्स प्लस बी माइनस वाई माइनस वाई और टाइम्स एक्स, एक्स बचना चाहिए। हमने इक्वेशन सही लिखी थी, एरर की हमारी इक्वेशन क्या थी, एम एक्स प्लस बी माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है एम एक्स प्लस बी माइनस वाई का स्क्वायर टू बाहर आ गया, छः आ गया, और हमने इसको क्या किया अभी डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू इक्वेशन को, बी की रेस्पेक्ट से कोफिशियंट बी अपॉन बी, बी अपॉन बी एक्स वाई एंगल, और हमारे पास जो है वो एरर टाइम्स। सर फिर ऊपर जो अगर एम एक्स है तो फिर ऊपर सर एक्स बचेगा, यहाँ तो फिर एज ए कांस्टेंट, यहाँ तो वन ही बचेगा सर, ऊपर एक्स बचेगा ऊपर वाले में सर। जी सर एक, अगर एम उसमें देखें, हाँ, हाँ, ये यहाँ पर एक्स आएगा, सॉरी यह एक रह गया यहाँ पर, यहाँ एक्स आएगा टू टाइम्स एरर एक्स, ठीक है यहाँ पर जो है वो एक्स बचेगा, इसको उसका करेक्शन कर लेना बाद में, यहाँ पर तो सही है जी, यहाँ पर जो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, ये इसको हटा देता हूँ, तो टू टाइम्स वो बन गया वहां पर टू टाइम्स एरर एक्स, और ये बन गया टू टाइम्स एरर, ठीक है टू टाइम्स एरर। अब हमारे पास ये जो चीज आई है, ये आई है, हम इसको कह सकते हैं कि ये चेंज इन बी आया, और जो ऊपर आया था वो चेंज इन क्या था, एम आया था। अच्छा इसके अंदर मुझे अपनी मर्जी से लर्निंग रेट डालना पड़ेगा, तो मैं एक वैल्यू लर्निंग रेट की, स्टेप साइज है ये, लर्निंग रेट ऐड करा दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा उसका साइज को कम करने के लिए, लर्निंग रेट टू टाइम्स एरर और लर्निंग रेट, और इस तरह यहां पर भी लर्निंग रेट जो है लग जाएगा टू टाइम्स एरर और लर्निंग रेट। अब हमारे पास इधर देख लें क्या बचा, ये डेल्टा एम है और डेल्टा बी है, और डेल्टा किसके बराबर होता है, अभी डेल्टा एम बराबर होता है किसके बराबर होता है, करंट माइनस, अगर मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं, अगर टू से शुरू करूं तो एम टू माइनस एम वन, वरना क्या हो जाएगा इधर, तो अब मुझे जो रैंडम था वो एम जीरो था, मुझे एम वन की वैल्यू चाहिए कि नेक्स्ट वेट क्या होगा, नेक्स्ट स्लोप क्या होगा, तो एम वन यही खड़ा रहा और ये क्या बन गया, डेल्टा एम माइनस प्लस एम जीरो, ये इक्वेशन बन गई। तो नेक्स्ट जो वेट लेगा वो ये होगा, अब इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, एम वन डेल्टा एम की वैल्यू क्या है अभी, टू टाइम्स एरर मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट। ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से वो अगला स्टेप उठाएगा कि पिछली दफा में कितना एरर आया था, करंट रेट इनपुट से मल्टीप्लाई करेगा उसको, टू टाइम्स निकालेगा और लर्निंग रेट की वैल्यू डालेगा, तो नेक्स्ट स्लोप जो है उसके पास जबरदस्त वाला आ जाएगा। सिमिलरली बी के साथ भी यही होगा कि बी जो बी वन होगा वो क्या होगा, वैसे होगा डेल्टा बी और प्लस बी जीरो। तो अब डेल्टा बी कितना है हमारे पास, टू टाइम्स एरर, ठीक है एरर टू टाइम्स एरर के लिए, अच्छा टू कोफिशियंट है, ये लगाए ना लगाए इसका कोई मसला नहीं, एरर टू टाइम्स ही लिख लें चले, टू टाइम्स एरर मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट
प्लस जो भी लास्ट बी होगा वो, ये दो स्लोप और बायस की इक्वेशन है जिनके अंदर वो वैल्यूज पुट करके ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से तेजी से ऑप्टिमाइज हो जाता है। वो हर दफा वैल्यू आती है कि पुराने एरर को उठाएगा, लर्निंग रेट डालेगा और नया बी निकाल लेगा, नया एम निकाल लेगा। यही काम हमने शुरू में यहाँ लिखा था इक्वेशन में कि एम वन बराबर होगा एम जीरो एरर टाइम्स लर्निंग रेट, फिर बी वन बराबर होगा बी जीरो एरर टाइम्स लर्निंग रेट। तो यही इक्वेशन हमने यहाँ ड्राइव कर लेंगे इसके अंदर। सर m1 is equal to सर प्लस में m0 ऐड नहीं होगा सर इसमें? सर m1 is equal to 2 error x plus m0 ऐड होगा। मैंने लिखा नहीं वहां पर m0 ऐड होगा। यहां पर इसको शुरू में ऐड कर लें या आखिर में ऐड कर लें कोई मसला नहीं। m0 भूल गया हूं यहां पर। ये दो इक्वेशन जो है ये आपकी ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर की हैं। यस क्वेश्चन था एक्स आपने ऊपर कांस्टेंट है और नीचे जो है वो एक्स मेंशन है दो जगह सर ऊपर डेल्टा एम की इक्वेशन में आपने एक्स को जो है वो कांस्टेंट लिया एक जगह और एक जगह आपने एक्स को एक्स वेरिएबल मेंशन किया है एक जगह एक्स नहीं है। कहां पर किया है मुझे बताओ एक सेकंड। अच्छा मैं इस परेशान नहीं हूँ, मैं इसकी पेपर पे लिखी हुई डेरिवेशन जो है ना वो भी आपको स्नैपशॉट शेयर कर दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखा। अभी तो ये पेंट के ऊपर काम करना भी जो है ना एक घंटे का काम दो घंटे में हो रहा है। सर ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ ना डिफरेंस जे रिस्पेक्ट टू एम, यहाँ पे डी और डीएम एम एक्स प्लस बी था ना सर? हाँ एम एक्स प्लस बी था। यस एम एक्स प्लस बी था ना, जब मैं एम सी रेस्पेक्ट से कर रहा हूँ तो सर वो मैंने कंफ्यूज है। हाँ एम को मैंने एज अ वेरिएबल लिया है और बी को एज अ कांस्टेंट लिया है। सर यहाँ पर एक्स मेंशन क्यों नहीं किया? कौन सा वाला सर? आप एक्स वाला एक्स लिखना था यहाँ पर सर, एक्स लिख दे। अच्छा वो एक्स भूल गया हूँ ना मैं यहाँ पर, ठीक है एक्स आ जाएगा। सर नीचे टू के साथ भी लिख दे एम एक्स। हाँ टू के साथ भी एम एक्स से नीचे भी सर लगा लीजिएगा जगह जगह पे, बस यहाँ पर आ गया ना ये टू टाइम्स एक्स। सर दोनों में तो फिर टू एक्स एरर हो जाएगा दोनों जगह। चलो अभी टाइम टू के अवर हो गया है, अभी ये फिनोमिना समझ में आ गया है ना, मैं नई इक्वेशन भेज दूंगा उसके अंदर एरर नहीं होंगे, वो लिखने में ऊपर नीचे हो गया है कुछ तो उसमें समझ में, अभी ये समझ में आ गया ना किस तरह किया है तो उसको गो थ्रू कर लेना। जी गो थ्रू कर लेना, इट विल वर्क फाइन। अच्छा चलो ये पेज तो मैं सेव कर देता हूँ लेकिन मैं अलग से मेरे पास पेपर पे कर दूंगा मैं इसको, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। थैंक यू सर। सर इसकी बुक शेयर कर रहे हैं इसकी सर मैथ्स की यार ये बुक में नहीं है ना, इतनी आसानी से बुक में नहीं है। अभी तुमने वीडियो शूडियो में देख लिया पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, और जी उसमें भी जो मैथमेटिकल नोटेशन है ना फिर वो समझ में नहीं आती। ये तो मैंने बहुत सिंपल करके जो है ना अपने कर लिया कि एक्स वाई में कन्वर्ट भी कर लिया था कि समझ में आ जाए। मैं इसको पेपर पे जब शेयर करा दूंगा ना, पेपर अपलोड कर दूंगा तो बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू। एक मिनट जी सर, ये एफएससी और बीएससी का मैथ था जो आपने सही। हाँ हाँ ये मैंने पूरा मैथ जो है ना रिवाइज करा दिया, कैलकुलस रिवाइज करा दिए। कैलकुलस रिवाइज तो ये कैलकुलस ही थी सर। सॉरी नहीं नहीं आप अभी भी जवान है आप, ये क्या बात कर रही है वो 57 में तो अभी तो दोबारा जवान होना शुरू हो जाता है बंदा माशाल्लाह से। नहीं सर मैंने भी 2000-2003 आपने पढ़ना शुरू कर दिया है ना, आपने पढ़ना शुरू कर दिया वो भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पढ़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब आप जवान हो गए। यहाँ जवान भाग रहे हैं सर, यहाँ जवान भाग रहे हैं। देखो यार नहीं भागना नहीं यार, मैं कोशिश करता हूँ कि आसान आसान करके एक्सप्लेन करूँ चीजें क्लियर हो जाए। सर इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहा है, वो जो चीजें पहले समझ नहीं आई थी कुछ चीजें आज पता चली है, पैराबोलिक इक्वेशन ऐसे निकलती है। पहले रट्टे लगाए हुए थे।
रट्टे लगाया हुआ था हमने। नहीं मैंने तकरीबन जो है ना, मैं कोई 7-8 साल लगातार जो है ना इंटर की मैथमेटिक्स और ग्रेजुएशन की कैलकुलस जो है ना पढ़ाई हुई कोचिंग सेंटरों में, यहाँ वहाँ कोचिंग सेंटर में। तो मैंने 8-9 साल जो है ना कंटिन्यूस अपना कोचिंग सेंटर भी चलाया एक जमाने में, और फिजिक्स मैथ्स ये सब सब्जेक्ट जो है पढ़ाता रहा ये। तो इस वजह से वो मुझे पता होता है कि पिन पॉइंट जो है ना वो कहाँ है, कहाँ जोर देना है, कहाँ से निकालना है, कैसे उठाना है, उठाना कहाँ से। सर क्लास खत्म हो गई? हाँ जी आप जा सकते हैं, क्लास खत्म कर रहे हैं हम। नंबर थ्योरी लेकिन वो अभी हमारा पार्ट नहीं है ना इसका। चले जी ओके सर। एक छोटा सा रिक्वेस्ट थी सर। जी 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 सर, वो जैसे आपने नम पाई का टेस्ट लिया लेट तो हम पांडास के ऊपर चले जाते हैं, फिर वो दोबारा पीछे देखने पड़ते हैं सर। इसी तरह सर अगर ये टाइम सीरीज का हो जाए तो साथ ही टेस्ट लेना ताकि ताजा ताजा तैयार हो, तो फिर जल्दी वो सर पीछे जाके तैयारी करना, आगे आचार रहे होते हैं आप, हम पीछे जाके तैयारी कर रहे होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं सर। जैसे ये है ना कि सर नम पाई की आपने टेस्ट लिया ना सर, हम पांडा की 4 क्लासेस पढ़ चुके थे तो हम पांडा को छोड़ के हम नम पाई की तरफ याद करना स्टार्ट कर दिया, वो क्लासेसी नंबर हो जाती है। अब हमने अब आपने सर पांडास की ले रहे हैं और हम मशीन लर्निंग के ऊपर आ गए हैं सर सीरीज, ठीक है। तो ये कह जैसे ये टॉपिक खत्म हो तो इसके साथ ही टेस्ट ले लें तो ज्यादा आसानी हो जाती है फिर अगला टॉपिक स्टार्ट कर। अब तो पांडास का हो गया ना, अब तो सिर्फ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का रह गया ना, बताओ ये। जी सर वो डीप लर्निंग से पहले मशीन लर्निंग का ले लीजिएगा ना, फिर डीप लर्निंग स्टार्ट कर लीजिएगा। मशीन लर्निंग का पार्ट जो है वो हमारे ऑफिशियल सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो तो हम खुद से करेंगे ना उसका टेस्ट। ठीक है ठीक है सर ठीक है। अब डीप लर्निंग में जो है वो अब टेस्ट वेस्ट से निकलाओ, ये तो सिर्फ इसलिए होता है कि जो ना यार पढ़ ले बंदा थोड़ा सा रिवाइज कर ले। डीप लर्निंग में तो अब जो मॉडल बनाएगा आर्किटेक्चर बनाएगा वो सीखेगा। ठीक है ठीक। नहीं अब पांडा का अभी कितने 2 टेस्ट है पांडा के सर अभी तो एक। वैसे सिलेबस में कितने लिखे हैं, 2 या 1 लिखे हैं? एक ही एक ही लिखा है मेरे ख्याल से, बस अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। हाँ गिट का टेस्ट बाकी है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। चले मैं एंड कर रहा हूँ, किसी का कोई सवाल है तो फिर ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी 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 थैंक यू सर। बोले क्या कह रहे हैं सर? ये जो आपने सॉल्यूशन की बात की थी वो और नोटबुक दोनों में ड्राइव पे अवेलेबल मिलेगी या ग्रुप पे? ड्राइव पे भी डाल दूंगा, ग्रुप पे भी डाल दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है सर थैंक यू। सॉल्यूशन मुझे पेपर पे लिखना है तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। ओके जी।